जी हाँ, नमस्ते नमस्ते, आपको वेलकम करना चाहते हैं जो जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। हेलो सुसी, नेहा, गुड इवनिंग टू यू ऑल फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और हमारे मॉडरेटर लगता है कहीं पर है, आज शायद ज्वाइन करेंगे। फिलहाल वो बैकग्राउंड में लोग, नमस्कारम, कैसे हैं आप लोग? हाँ, आ गया, देखा ना, मॉडरेटर आ गए हम लोग के। वही बोला पिछली फोर फ्यू मंथ से कहाँ एक्शन में लड़का, एक्शन क्लिक क्लिक फोटो उतारता हम देखा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं? एपिसोड नंबर 27 में है। प्रण भैया थोड़ा बिजी है मैसेज करे में, कोई कि हम सोचता और शेयर करे में, तो हम भी जल्दी से मौका कर ली। वालेकुम सलाम और नमस्कारम आपको भैया जी, कैसे हैं? वी मिस्ड यू फॉर अ कपल ऑफ वीक्स एंड होप थिंग्स आर वेल एंड फायर फुट लॉन्ग फायर फॉर यू रॉडनी एंड होप थिंग्स हैज बीन गुड। दिवाली, आप लोगों ने दिवाली मनाया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो दिवाली खुशहाल और मंगलमय ही होगा, हुआ होगा। हम लोगों ने तो पटाखे नहीं दागे थे, बच गए थे कुछ हम लोग दगने से, लेकिन दगे नहीं, इतने खाए कि क्या बताऊँ, दगने से बच गए। अच्छा, जल्दी जल्दी शेयर करते हैं अपने श्रोताओं से। 600 हमारा जो प्राइस है बढ़ रहा है, पूजा पाठ में बिजी रहा थोड़ा भाई जी। हाँ, वो तो हम देखे रहे, देखब रहे हम आज। रोडनी, आज हम एक फला के बहुत खराब से तोड़ेगा यार, आज हम लाल पेना फला ब्लू पेनी से बट इसके हमको और रकम से तोड़ेगा आज। जल्दी जल्दी पहले हम शेयर कर दें। नमस्कार, हम नमस्कार, हम आपको वेलकम करते हैं जो जो लोग जुड़ रहे हैं। और प्रिटी बॉय को हम भी इन्विटेशन देते हैं। भैया जी कैसे हैं आप? Pretty boy, you're on air now. और प्रणाल भैया जी, हेलो हेलो, हम कैसे? ये तो 40 से जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आज हमारा जो एपिसोड 27 है, रोडनी जी कैसे हो जी? शुक्रिया शामिल होने के लिए इतने दिनों बाद। एपिसोड 27 में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों साथियों, और फ्यू मोर देखो परनोल, एक बात तो मैं बता दी, मदरा जी लोग पूजा करे है, उन दिल से पूजा करे है, संता ना। तो भैया रोडनी जी दिल से पूजा करत रहा, तुम जुटा रहा बताइए, सभी पूजा पाठ में बिजी रहा। अच्छा संता ना, फिर पितर पाक चलत रहा, फिर उसके बाद में कौन पाक लगे, देव पाक लगे, इत्यादि इत्यादि, लड़कन बिजी रहे यार, तो एपिसोड 27 में हम प्रवेश कर चुके हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वेग से हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और प्रोग्राम को अंजाम देने से पहले दोस्तों को बता दें कि आज हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में परम बिल्कुल भरा पूरा है। कमिंग बैक, हाउ वाज योर दिवाली परम, कैसे था भाई? मेरा दिवाली तो एकदम चमत्कार, क्योंकि हम जैसे कि मैंने बोला कि पटाखा तो फोड़ नहीं पाए, लेकिन खुद फूटने वाले थे कि इतना खाया। हम गए थे आपके घर ना, उधर ब्लैक टाउन में जहाँ पे आप रहते, आपके घर, आपकी आधा आधा अंग ने बहुत ही सारे मिठाई पकवान इत्यादि बनाए थे, तो चुन चुन कर जैसे गब्बर सिंह ने गोली सभी को मारी, इसीलिए मैंने चुन चुन कर सभी मिठाई को स्वदेश से उसका खूब मनोरंजन और फायदा उठाया, खूब कस के भरा, फिजी भाषा में तो बोलते ठूस लिया, ठूस कस के खाया। बगल में पड़ोसी भी आएंगे, बोले थोड़ा तनिक देरी हमारे घरे भी चल दो ना। हाँ, बोला अच्छा, थोड़ा उसके लाज भी रख ली। वहाँ गया पड़ोसी ने धर के हमें प्याला में कुछ मीठा ला सा टेक दी, अभी फिनिश नहीं करा, वेट करो। पड़ोसी घर से वापस वहाँ से लौट के, भाई माफ करना आप लोगों ने जो जो हमारे जो कमेंट्री सुन रहे, माफ करना। हाँ, ओ रबड़ी दा, रबड़ी रबड़ी तो नहीं जानता यार, रबड़ी से पंजाबी डिश ना, रबड़ी बट उसमें कोई रबड़ नहीं दिखाना, में रबड़ी में कोई रबड़ नहीं दिखाना, में रबड़ का गा। फिर वहां से आया आपके बकरी से मिले, और बकरी दो है, बकरी बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक उसमें से बहुत चलाक है, दुई है, पहला तो है देखा लोग कि हम निमंत्रण किया है, उसमें से एक थोड़ा स्मार्ट है, एक तो एकदम पूरा ऐसे भन्नुल कर पीछे एकदम बेकफाया से देखिए, स्टडी करें मुझसे रे, बाद में बताएंगे हम श्रोताओं को। खैर आगे बढ़ते हैं, आज का प्रोग्राम बुजस्ती गपशप होगी हमारे। और हम वैसे जल्दी से बतला दें कि आप आए
हमारे घर की हमारी दिवाली की शोभा बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मरम सर अगर परब नहीं आई तो हम बहुत गुस्सा आ जाएगा, यू नो, बिकॉज पूरी बीरा आपका फेवरेट और आलू मटर आपने कहा बॉय। हम संडे के नेक्स्ट डे अपना आपके बहुत, संडे नहीं कुंजी बिले, नेक्स्ट डे थर्सडे के हम अपना के बहुत तरसा। आपकी बीवी जी ने कहा कि भर के लेके जाओ, काश मैं भर लेता आलू में बैगन मटर जोन रकम से तुम बनाए ला लेम के तरकारी। अरे बप्पा हम कुंजी बताई एकदम अलग से रहा। बोले परम सबके भरिस तो हम बोला परम के बोले परम बोले सब बोले फ्रिज में रख के नहीं खाता इसे देते। हाँ, हमने पेट जब भरा रहे तो कुछ नहीं मन करे लेके जाए यार। हाँ, अच्छा बैड है रेस्टोरेंट वो टाइम ना। हाँ हाँ अच्छा अच्छा आई एम ग्लैड दैट यू लव दी स्वीट्स एंड एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नंगोना भी अच्छा रहा। हम तो पिया नहीं नंगोना, हम तो दूध वाला चाय मलाई वाला चाय पिया था। दूध वाला चाय अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सो अब हम लोगों ने पिछले सप्ताह पर हम लोगों से बताया था कि अगर आपके पास कोई दिवाली कोई इवेंट शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास जरूर पिक्चर वगैरह हम शेयर करना चाहेंगे। तो याद रहे दोस्तों साथियों कि अगर आपने किसी अनमोल रकम से आप दिवाली ही ये बनाया है, अगर आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, प्लीज डू गेट इन टच। क्या बात क्या बात, कहते हैं कि गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं, क्या बात क्या बात। हाँ तो आज हमारे साथ में रिया जी आ गए हैं और आज एब्सेंट नोट नहीं, आज शी इज प्रेजेंट इन द क्लास। मास्टर जी बिहेविंग स्टूडेंट। और आज देखिए परम देखा है ब्लू और ब्लू एंड रेड लोटोका और साथ में रेवा का भेड़ा नाच होने को है। और लोटोका और रेवा के बीच में जो मध्य जो खेल हुआ था उसमें रेवा की जीत 3-0 से। अच्छा अच्छा वही बात उधर ट्विस्ट करके बोलो, जैसे मान लो कि इंग्लिश हिंदी एक्सेंट लाके तरह बोलो, कैसे लगे देखिए। आर 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 ऐसे ही तो बोले मैं, और कम आर नहीं आवे यार। आर वहां पर जाते हैं तो पता नहीं हम फिजी के नाम से उसी बात करें ना, लड़का लोग के जना स्टडी करे लो ना, वो उस पर लोग के करिकुलम में जना स्पेशल है ला प्रोनंसिएशन ना। रा इट शुड बी रा ना, हम लोग की हिंदी लैंग्वेज इज वेरी वेरी सिंपल। हम लोग के जो वर्णमाला बहुत ढेर है नहीं, जैसे क्लास 1 में का का गा बहुत मार मार के सिखाई से मास्टर लोगों ने, मार मार के क्लास 1 में टीचर लोग सिखाए दे, दैट मींस कोई नजर कोई रकम भाई। ये राजकुमार के तो कोई प्रकोप है ही नहीं फिजी में, तो ये लोग काय आउ आउ करे कटा कुत्ता लोग ने दे आउ। राजकुमार रहता है तो राजकुमार का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता ना, ठीक नहीं जना आदमी लोग बहुत जस्ती राजकुमार के फिल्म देखिन सबके घटे में आर आर बैठ गए हैं। तो और हाँ लोटोका रेवा के बीच में और हाँ कैसे कैसे फिर से बोलो, अच्छा लगे सुनने में। और लोटोका ने बड़ी हम कह सकते बहरेमी से पीटा जी, कौन सी बार लोटोका ने बहुत ही बेरहमी से बीटा बेरहमी से रेवा को हराया 3-0 से फिजी लीग नेशनल लीग के तहत। तो परम तुम्हें शर्म भी नहीं लगे, तुम रेड रेड पहन के आए गए लोटोका 3-0। थैंक यू फॉर सेइंग, बट हम तुम्हें बताइए आज रेड नहीं है, रेड नहीं है, तुम जितना मांगो हम टी करो, रेड नहीं है। कौन कहलाए भाई ये रेड नहीं है ब्रो, दिस इज वेल ब्राउन और रेड के बीच में जो कला है मस्टर्ड टाइप थोड़ा। मैं आज रेड नहीं पहन निकला। खैर जो भी हो एक बार जल्दी से बताइए, यास्मीन जी आपको भी हमारे घर पर दीपावली के दिन आने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे हमारे घर का शोभा आपने बढ़ाया, हमारे त्योहार का शोभा आपने बढ़ाया आज के लिए। जैसे हम यास्मीन जी ने एंटर किया मैंने उसे एग्जिट करा, ऑफिस के एग्जिट किया। आई ड्रिंक फर्स्ट टाइम इट इज यम्मी आल्सो, ओके नो थैंक यू वेरी मच मच अप्रिशिएट। हाँ तो परम जल्दी से लोगों को बतला दे कि हमारा जो ड्रॉ होने को है और हमारा लास्ट डे के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे कि व्हेन आर वी गोइंग। जी हाँ 600 हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि पड़ोसी इत्यादि जो मिलते हैं हमारे कुछ पड़ोसी आपके कुछ पड़ोसी कुछ और डोनेशंस करेंगे, सिर्फ जितने भी हैं आपके मध्य में हो। थोड़ा हमने ट्विस्ट किया है दिवाली के दिन कुछ निकालने के लिए, बस देखता हूँ शायद 6 से 7 चाहेंगे और चाहेंगे कि हम वो 6 से 700 हो जाए। हाँ और ये भी लोगों को बतला दे कि हमारा जो आखिरी प्रोग्राम है यस हाँ जी सर जी 20th आपने बताया था ना, 20 तारीख ना 20 तारीख दिसंबर को हमारा आखिरी चिट चैट रहेगा ये
has been decided by Paramount Pranav. और आपको हम ये बताते हैं कि 20 तारीख को हमारा जो आखिरी चीट चैट का शो होगा वो आप जरा नोट कर लीजिएगा. और इसी दिन हमारा जो 600 या 700 डॉलर्स का जो क्या कहते हैं, तो 700 नहीं बोले यार, आदमी लोग गारंटेड ले लिए. अभी मैं जाए कि सबसे हाथ जोड़ के मांगे पड़ी यार. Let's keep on increasing the bar. You never know, na? Bar ka bar increase karega, fir to raki raki hoi ji, fir. Bar hai re ji. Pranam Sanjay saath mein, ya sabhi ko great swarup Ram Ram Ram. So thank you very much everybody for tuning in. Ram Ram. To yaad rahe, December 20th ka aakhri draw rahega. Usi din hum is. Pranol. Don't you think we should ask our lovely audience जो हमारे साथ हमेशा join हो जाते हैं कि उनका जो दिवाली ही कैसा रहा, जरा type करें feed में कि something special they have seen this Diwali या तो कुछ और भी unspecial भी हुआ आपके साथ, तो please do share it. किसी के घर पर आप गए, बहुत ही अच्छे से मिठाई आपको मिली, या तो फिर आपको एंट्री एग्जिट हुई, माने कि ज़्यादा खाने से खुजली होती है कुछ लोगों को, भाजी इत्यादि खा लेते, गट्टे खजवाते, ज्यादा बड़ा खा लेते, फिर यू नो एक्सटीरिया चलने लगता है, तो ज्यादा बड़ा खाने से बरबरा लगे बहुत लोग ना. बहुत सारी चीजें के जरिए, यू नो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट. प्लीज प्लीज यस, लेकिन हमें बताया अनमोल चीज या फिर अनोखा कुछ आपने इस दिवाली किया है ये आप हमको बता सकते हैं. अरे ये लोग कर लो बात या दे, 700 हो गए हैं बड़े धन्य के बाद. कौन है सुजी हमारे पड़ोसी? थैंक यू वेरी मच सुजी, आपके रबड़ी 100 रब दी. इसी बात पे हम आ रहे हैं, बत्तख खाने है, बत्तख खाने परम 2767 मदा. तुम देखता रहे बिना टिकटॉक, एक लड़की बोले ना डबल टू डबल ओ ब्रदर, तो हम लोग के पोस्ट कोड है डून साइन 2767 ब्रदर. हमारे पड़ोसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने 100 डॉलर हमको दिया है. वैसे लोगों को बता दें कि जितने भी आप 5 डॉलर भी 10 डॉलर 100 भी देते हैं, ये दिस विल गो टुवर्ड्स अ वेरी नीडी फैमिली इन फिजी. तो अभी 1000 हो जाए और अच्छा होगा ना भाई. हाँ, तो अच्छा लगेगा, डिवाइड करेंगे ना. They are in need of so much in their life. So ये पैसा will go to them and you will get all the blessings in the world. You mark our words. It's just a good deed, do us a good blessings. तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते एक ब्रेक लेते हैं. प्रणोल जब तक अपने छोटे बच्चे को बताते कि इंटरन ऑफ करते हैं, तब तक हम यहाँ से स्वीक से स्वागत करते हैं. जस्ट वन सेकंड. स्वागत तो करो हमारा. फिजी टीवी ऑस्ट्रेलिया से बुला और नमस्ते, आपका स्वागत है आज के शो में. चिट चिट मसाला है शो का नाम, हर एक जुबान पे एक ही नाम. तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग चिट चिट मसाला शो में. तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग. जी हाँ, ये जगह हम रंगीन बनाएंगे और रंगीन आपकी दिवाली थी. रंगीन बनाएंगे. और पैसे जल्दी से बतला दे कि ये जो आपने वीडियो जो एनिमेशन देखा है, इट इज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त टोरंटो कनाडा में. अभी प्रोग्राम पर हम आज के दिन प्रोग्राम देख रहे हैं, दे हैव मैसेज भी सर अभी देख. भैया जी आप लोग को सादर प्रणाम, आपको हम सलूट कर रहे हैं. अच्छे अच्छे हमारे जो रानी का साथ में सेल्विन रानी का, दोनों भैया लोग बैठकर हमारा प्रोग्राम टोरंटो कनाडा से देख रहे हैं. हम बहुत भाग्यशाली हैं, वेरी हम्बल. शायद बड़ा बड़ा स्क्रीन में देखे तो लड़का, हम पिंपल दिखाई हमारे पिंपल देखे तो तुम्हारा मार्क दिखे ना कान, तुम तो भी आए हमारे यहाँ फटा है, यहाँ फटा है सबको पानी. यहाँ सोका में 20, 25, 27 स्टिच यहाँ है
Okay, so people are saying, I enjoyed Diwali with friends Dil Se, and on Thursday I went to 6 houses. Baap re baap, 6 ghar pe gaye the ye hamari sister ji. Aur saath saath Kamla Reddy enjoyed Diwali with family and friends. Diwali we spent with neighbors and families was awesome. Preeti Karje, Swadisht, inhone banaya tha kafi cheez. To Reha Raj keh rahi hai ki Diwali was awesome. Fijian friends come over, woh to khoob kas ke khaya hoga na, because they love it na. अच्छा अच्छा और हमारे साथ नार दीपक चंद भी भैया जी नमस्कार थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन हेलो भैया लोग सो या पर इंटरनेट इज वाज फाइन नो प्लीज यूजिंग द इंटरनेट या या वन थिंग आई डिडंट सी दिस ईयर वाज मच ऑफ रंगोली पोस्ट इन ऑन फेसबुक ओके हैव यू नोटिस्ड दैट रंगोली जो बनाते हैं आई होप दे वुड हैव कैप्चर्ड सम फोटोग्राफ्स बिकॉज़ फेसबुक में सब अपन अपन फोटो छोड़ी नहीं बट लाइक यू नो सेम दिया घुमा घुमाए के सब बगल को हैप्पी दिवाली 100-200 मैसेजेस यू नो यू हैव टू मैसेज बट रंगोली नहीं दिखानी यार कोई रंगोली बनाते हुए ऑल दोस थिंग्स ना हमारे अच्छे दोस्त संजेश सागर सागर उन्होंने बनाया था सिंगल आदमी है लेकिन बनाई के घर के आगे एडिटिंग का पिक्चर फोटो उन्होंने भेजी सर है ना सो ही वाज वन ओके संज उसके अलावा यू आर राइट आई हैवंट सीन रंगोली ओवर देयर नो I haven't seen many. So maybe the last week episode में उन्होंने गुजारिश की थी अगर आपके पास कोई फोटो ज्यादा है कि भेजना शर्मा रहे होंगे ना लोग शर्मा रहे हैं ना और राइट बात आज राका ने कहा कि शुगर चेक कर लेना पड़ोसी परम द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे बड़का बुक पे गिरा यार तब से वो क्या करता है शुगर ही चढ़ जाए शुगर है नहीं बट यू नो यू नेवर नो सो जल्दी जल्दी काटा पूरा काटा मार दीजिए राका काटा 4 बजे सवेरे तक जगा रहा सो यू नो अभी हम खाया बॉय दी पेड़ा खाया दी लड्डू खाया सूजी ला मक्के ओए ले ए ले तो देखा नहीं कितना जस्ती बात निकले तो राइट परम तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से लोटो कतरी और रेवनिल हम रेवा के करीब ही रहते हैं दोस्त सत्या कैसे कैसे और कैसे बोलो और हम आपको बता दें कि आरजे रिपक दीपक चंद ने कहा है कि माय डॉटर मेड अ वेरी नाइस रंगोली शी इज एन आर्टिस्ट यस वी हैव सीन दोस पोस्टर भाई साहब एंड आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं हर सप्ते की तरह हमारे दोस्त प्रनिल अपनी मीठी आवाज में अपने मधुर आवाज में ये वाणी पेश करते हैं तो आइए इसका आगाज करते हैं राइट जितने भी लोग दिलचस्पी रखते हैं पोएट्री शायरी में आपको बता दें कि आपकी पसंद हमारे सर आंखों पर और हमेशा की तरह आज का जो प्रोग्राम है उसे हम शुरू करने से पहले शायरी पढ़ देते हैं किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों कि कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली मोहरे यानी फोग से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे राइट जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है धीरे धीरे एक एक कदम चलो रास्ता खुलता जाएगा एक बार फिर से पढ़ कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली है कि जब जीवन में कोई रास्ते ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है यानी कि मीनिंगलेस है धीरे धीरे एक एक कदम चलो रास्ता खुलता चला जाएगा इसी शायरी के साथ अपने जो प्रोग्राम है हम उनको अंजाम देते हैं दोस्तों पर हम कितना अच्छा बात ना अगर फोग है रास्ता में फोग है तो दूर तक नहीं देखो आस्ते आस्ते कदम ना चलो एंड देन यू विल सक्सीड इन योर लाइफ अगर ढेर सारा प्रॉब्लम्स लाइफ में है एक लागे मिट्टी तो नहीं लंबा तक नहीं यार आई गेट स्केर्ड व्हेन आई ड्राइव इन द फॉग यू नो यू हैव टू गो रियली स्लो समटाइम्स दिखता नहीं है मोटर के तो ग्लास है इसे नहीं सको करे ना आगे तो फॉग इज फॉग तो मेटाफोरिकली अगर जीवन में आपके पास ढेर सारे प्रॉब्लम्स है सब प्रॉब्लम बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं छोटे छोटे प्रॉब्लम आहिस्ते आहिस्ते उसे निभाओ आहिस्ते आहिस्ते कदम रखो इसी तरह से अपना जो जीवन है ये आप व्यतीत कर सकते हैं तो भाई इसी बात पर हाँ इसी बात पर एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम जितने भी हमारे मनुष्य जीवन है और साथ साथ में जो एनिमल किंगडम हमारे है सब इस देश में रह रहे हैं इस पृथ्वी कह सकते हैं या तो फिर धरती कह सकते हैं ना ऑन दिस अर्थ फॉर एग्जांपल आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन सैटरडे
एंड ये जब डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग कितना ज़्यादा इसी पर भी निर्भर रहते हैं, मतलब कि वी ओनली वरी अबाउट दिस अर्थ विदाउट इवन नोइंग दैट व्हाट इज आउट देयर इन द स्पेस. Have you ever thought of it? अभी तो हमने ही सोचा भैया. We're just floating on the universe, my friend. We're just floating in the universe. Yes, exactly. But once you get out of it, हम लोग यहाँ पर छोटे-छोटे चीज के बारे में वरी करते हैं. हाँ. और छन में अगर घूम गए इसे अगर तो गए हो काम से ना. तो गए हो काम से. Take some minutes. बोले पर अब अच्छा आदमी रहा यार. मौके नहीं मिले अच्छा आदमी रहा के बोले कि पानी सिरा घटे मल जी. पानी सब गटे मल जी. और कुछ नहीं निकले सब गटे मल जी पानी. तो कहने के तात्पर्य है कि एंजॉय कीजिए लाइफ जो भी आपके पास है. फोक के बारे में तो सोचते ही रहेगा बट प्रॉब्लम ही ना लाए अपनी जिंदगी में. हमारी तरह हंसी मजाक उड़ाते रहिएगा. हाँ ना. और बर्फी और गुलगुला खाते रहिएगा. हाँ. और संजय मेरे कजन लिखा है कि स्पेंड दिवाली विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. इट वाज अ साइलेंट वन. वेरी लेस फायर क्रैकर्स इन फिजी ड्यू टू नो शिपमेंट इन फ्रॉम चाइना. ओह अच्छा. सो पीपल सेव्ड अ लॉट एंजॉयड अ लॉट. हाँ. और लास्ट वीक हम दोनों ने ये भी बताया था कि फिजी में जो बेम्बू है कौन वो तुम बोला रहे कौन लाए बांस फोड़े ला ना. बांस. हाँ बांस. दैट्स इलीगल. तो अगर कोई करा हुई तो टू लेट अस नो. और प्रोग्राम में पर आज बहुत कुछ है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते 5 मिनट रह गए हैं रात 7 बजने में. और हम आगे बढ़ते हैं. तो आज 73 ईयर्स की हो गई हैं उषा उत्थुप. पर हम जानता ना हमारा फेवरेट उषा उत्थुप दीदी ऑफ कोलकाता क्वीन ऑफ पॉप. आज उनका बर्थडे है ब्रो. तो फोटो रख. अरे दीदी हम लोग के ना. तो हमें तो हिसाब से हम नानी बोलेंगे. तो पर इसके शो जब शी केम टू सिडनी एज वेल ना. यस. तुम उठा यहाँ रहो ना. Did you go and see the show? I didn't go to the show. 1997 में she came to Fiji. हम गेरास के show देखे लोटो का मंचिचल पार्क में. अरे जूता नहीं रहा घोड़े पहने खेती नहीं रूटान तो कहाँ जाएगा show देखे. वही साल अब शादी करा रहा है भाई. नहीं सके. ऐसे कुछ आ इतना क्या देखे बिचारी के चिचल पार्क में आए रे ना. नहीं चिचल पार्क में. चिचल पार्क में और she had a live band. They were all from India and I was marvel at the bass player. उसके bass player जोन रहा. There was a rumor कि उसके husband है bass player but no. And she is बड़ा कौन सी बोले बम्बई है ना. बम्बईयन कौन. नहीं बांग्लादेश के. कोलकाता. कोलकाता के. ओके. तो कौन सी है तब. she visited in 1997. You know what happened परम. जब मुझे एक show देखा. बड़ा लाइन रहा ना. एंड देन शी सेंग दिस सॉन्ग लिया ओसबोर्न के फिजियन सॉन्ग. कौन गाना जो फेमस है. एरा बिनितु. हाँ हम खोजा नहीं मिला. हाँ लिया ओसबोर्न. वेरी गुड रिकॉर्डिंग. हाँ आई कुडंट फाइंड अ डिसेंट रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. दैट वन आई जस्ट हम देखता रही भाई लड़की कैसे हमला पूरा फिजियन एक्सन में ईच एंड एवरी वर्ड सेम एंड शी सेंग दिस सॉन्ग फ्लॉलेस ब्रो. So were you there when she sang that song? Yes. I was there. Wow. Leah, you know? That's her husband, if you can see in the photograph there. That's the second Genda, husband. No, first. Genda Fulsen. First. I think it's the first husband. Okay. So, Kasbat ye hai param ki she had no formal training in music. This is Kishore Kumar ke, he had no formal training. So she had no formal training in music and she has sung in about 16 languages, right? Mm-hmm. Throughout her career. And she was very famous in the 80s. Log jante hain kon gana ramba ho na kalpana iyer ki dher gana long in together with Papi Lahiri. And she also param do you know that she got the Padma Shri awards in 2011.
Yes, I saw that one there. She's got a picture of that, receiving the Padma Shri Award over there. Is it Indira Gandhi? No, that's not Indira Gandhi. I think it's one of the... She met Indira Gandhi, though. That's her family there, Pranav. It's her daughter, her son, and I think daughter and son-in-law and kids and the husband there. Oh, a husband is na? Yes, that's her husband. And you know what, one thing marveled me, that because she did not have any formal training, she started singing in nightclubs. Yes. Kolkata mein nightclubs mein, bars mein. So, gaate gaate, one day Shashi Kapoor ke nazar in par pada. And she was singing in Shashi Kapoor. So that's where that photo must have been captured with Shashi Kapoor. Where is it gone? Somewhere here. Yeah. There you go. Oh, ha, there you go. And he introduced her to the singing fraternity. Wahan se all is history. No? So, yes, Sydney Bibi Aisra, and I went through some, I was doing research and Facebook, I'm like, dekha ushu to when she was in Sydney. So, hum log here, John, yeah, nahi, ladies, log, friends, log, I mean, all of us here. I long apart for photo tali se, na, iske sange. So, it's up there in Facebook, and I could see many of her friends there. So, aaj utka 73rd. Birthday hai, dosto. Blessings to her. She's been a marvelous artist, and she's changed the pop and rock and jazz music she loves, and she's changed the world, the Indian music, especially female singers sing. And I think after her, Asha Bhosle took up a lot of songs from there, pop kind of songs. And she was one of the influential women during her time. There she is, with Amitabh Bachchan. With Amitabh Bachchan. She's met all the big artists, bro. Huh? Yeah. Okay, let me just... I came across something and I'll share it with you guys. Here we go. Alright, I tell you what. All of you fill in the blanks for me, okay? The musicians are there to start the song, but I'm going to sing it with you right now. Just give me the chord. First line is mine. Second line will you do? Tu mujhe jaan se bhi pyara hai. Somebody singing a harmony, which is lovely. Dil se dil. Like, say it like Bapi Lahiri. How do you like my clothes? How do you like my sari? Bahut kam gold ho gaya sab hamare gold hum maine de diye Bapi da ko. Maine kaha itne sare hit gaane sabko diye aapko hum present karte hain. So I gave it all off to them. Okay, so let me sing it with you. Sorry? No, sab log soch rahe honge ki ye koi fashion kiya maine. It's not a fashion. मन्नत मांगी थी मैंने कि कुछ हो जाए तो आई वुड गिव इट टू तिरुपति उसी लिए मैं कप माय हेयर या वरना फैशन वाज व्हाट यू ऑल लव राइट सो शैल आई डू इट लाइक दैट फॉर यू इज दैट बेटर सॉरी बट इट्स हु केयर्स डू यू केयर हाउ आई लुक हु केयर्स जस्ट लेट्स गो आई एम आल्सो वेयरिंग स्नीकर्स लेडीज एंड जेंटलमैन रीबॉक स्नीकर्स कांजीवरम स्नीकर्स Whoa, let's go. Pam param pam param param pam.
The everlasting wonderful song of Bappi Lahiri, and of course, Kiran Rakam se gaaye, man. हाँ, without any effortless, na? हाँ, effortless और confidence level देखो यार, another level पे ना. Wow, Sanjay Bhai Kare, she has completed 50 years in Bollywood singing, representing Bollywood. Amazing, amazing. कितना प्यार से अपन मुंह बनावे ना, she's got those dimples when she dimples sings. Plus उसके बिंदी जो है, सब दिन बिंदी इसके रहे वहाँ पर, you know. Cute लगे. एकदम क्यूट लगे. एक 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 और हम उसके एपिसोड देखा रहा कुछ पर, एंड शी वाज सिंगिंग दिस जेम्स बॉन्ड के जो फॉल फॉल स्काईफॉल स्काईफॉल अलग है. फ्लॉलेसली गाइस यार. अरे यार, मतलब शी रिमाइंड्स मी ऑफ दोस अफ्रीकन लेडीज दैट सिंग विद दोस वॉइसेस, यू नो, विद द हेवी बैरिटोन्स ना. यस, या. वेल, वेलकम सम न्यू पीपल दैट हैव एक्चुअली फौजिया खान परदेश, आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में. ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स अनुदास जी, वेलकम. जब भी वक्त मिलते हैं ये लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. पर हम जैसे दिवाली की बात कर लिया, जल्दी से हम भूल गया बतलाए कि दिवाली वाले एपिसोड में कि एक सिंगर ठुका में एक पंटा है, ही इज वेरी वेरी हैप्पी एट द मोमेंट बिकॉज मैंने ट्यूजडे के तो मेलबर्न कप रहा ना. डिड यू बैट? जिंदगी में पहला बार हम बैट नहीं कराया. आई ब्रोकन द ट्रेंड. आई डोंट रन. कोविड के बाद मैं भुला गया. आई नॉर्मली गो आउट एंड बाय, एंड आई ऑलवेज आई स्पेंड $20, आई विन $20 सब टाइम. ओके ओके, राइट. सब बट हम सब दिन जाके खरीदा, पहला बार नहीं गया. तो फिजी में एक बंदा है सिंगाटोका में, ही वेंट एंड स्पेंट $5 ऑन द मेलबर्न कप होस्ट राइस एंड ही वन $24,000 ब्रो. पार्टी कर इसका पूरा फिर. ओ कैसे हो ये भाई, बता तो. उसके दिवाली तो रंगीन हो गई ना, सो एकदम पूरा रंगीन हो गया. मेलबर्न कप होस्ट रेस के तहत इन्होंने जीता है. हमारी ओर से, परम की ओर से, साथ में प्रणव की ओर से हमारी शुभकामनाएं आप और आपके फैमिली तक पहुंचे, अगर आप सुन रहे हैं. यू नेवर नो. अच्छा, अगर आप सुन रहे हैं, और अगर आप सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज थोड़ा समय से डोनेट कर दीजिएगा. हमारे कुछ लोग फिजी में जिसको जरूरत पड़ती है पैसे की. हम लोग सुंदर पड़ोसी देखो 100 देरी से. एंड आई आस्क यू दिस क्वेश्चन प्रणोल, कि जब हमारे फोरम में लोग भी हैं, एंड आई आस्क यू ऑलरेडी एंड आस्क यू अगेन, कैन यू डिटरमिन बाय द लुक ऑफ अ पर्सनस हाउस कि वो पर्सन गरीब है या नहीं? ईंट की दीवार या तो फिर लकड़ी की या टीन की दीवार, किस जरिए से आप बता सकते हैं कि वो उनके घर में पैसे है या नहीं? अदर रिच और पुअर, व्हाट डू यू थिंक प्रणोल? देखो, इस मिसकंसेप्शन है ना कि वो अच्छा घर में रहे तो दे वुड बी हैविंग. अभी पहले के जमाना में चला था, अगर माय ओपिनियन इज दैट, अगर आप आई मीन सीमेंट लग घर में रहता तो यू हैव गॉट मनी, वेयर इज इफ यू आर पुअर यू लिव इन पहले जमाने हम लोग टाइम पे चला था, यू नो. अभी तो सीमेंट के घर तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू डिटरमिन कि घर में पैसा है या नहीं है. घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, और दिल देखो घर नहीं, वो बात नहीं है जी. दिल तो हम और जो टीन लकड़ी वाले ज्यादा दिलदार होते हैं वो बात नहीं. बात ये है कि it's just a question कि हाउ डू वी एसर्टेन कि उसके घर सीमेंट के, उसके घर टीन लकड़ी के हैं? दिल की बात नहीं है, गरीबता की बात है. कुछ तस्वीर मैंने देखे हैं सोशल मीडिया में, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि कुछ डोनेशंस उन्होंने रिसीव किया है और वो अपने फ़ोटोज पोस्ट कर रहे हैं, और दूसरे ही तीसरे फ़ोटो में मैंने देखा है किसी के और के घर पर उन्होंने खड़े हुए, तो वो टीन लकड़ी के घर में खड़े हुए, वो भी वाउचर पकड़े हुए हैं. तो बस इसी ही ज़रिए से मैंने सवाल ये पूछा कि कैसे वो लोगों ने ये निर्णय लिया कि यू नो दैट इट्स उनके वो हद से गुजर रहे हैं. आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. टेक फॉर एग्जांपल, अगर बिग फैमिली है एंड देयर आर 3 or 4 पीपल वर्किंग इन द हाउस ना, तो ये लोग मिल करके दे कैन पुट इन एंड रेंट अ बिग हाउस, यू नो. ओके, इट कैन बी रेंट, कुड बी रेंटिंग. सो हां, सो थिंग्स लाइक दैट. वेरी गुड पॉइंट. आई डिडंट इवन थिंक ऑफ दैट कि
they could be renting over there. Very good point, sir. बत्तख देखो और खाओ पियो मौज करो. रिया जी ने लिखा है कि बत्तख देखो. हाँ, राइट बार सुजी. आई हैव सेंड रंगोली पिक्चर्स, प्लीज चेक इनबॉक्स. अच्छा, रिया जी ने हमारे पास भेजा है. परम थोड़ा डिले हो गया ना. डिले हो गया. अदरवाइज आई कुड हैव सेंड इट टू परम एंड परम. मास्टर जी अपने पीपल के आज लेट डाउन कर दी से. नहीं, अब भी भेजिस अभी. हम टेक्नोलॉजी में स्मार्ट है, इतने भी स्मार्ट नहीं. अगर मुझे भेजता तो शायद मैं कंप्यूटर करप्ट कर देता. हाँ रिया जी, हमारा सब चीज़ वही कह रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में इतना स्मार्ट नहीं है. कबूल दो. राइट, परम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने जो सवाल जवाब है उनकी ओर चलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑफकोर्स boy, I still have last week's जो winners, उनका नाम लिखा हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ है. मैं निकाल देता हूँ ताकि मैं फ्रेश डालूं. Sorry, you have to go. अच्छा, तो here comes the first question, ladies and gentlemen. Okay, right, ladies and gentlemen. अगर आप सही जवाब देते हैं, the first three names go into the barrel, which will be $600-$700. वो दागने वाला barrel नहीं, ये drawing वाला barrel. Right, who am I? आपको हमें बतलाना है. डायरेक्ट क्वेश्चन सब परम करता है तो व्हाट हैपेंस, गूगल सहायता करते हैं ना. हु एम आई स्टडीड मार्केटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. राइट, आई स्टडीड मार्केटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. आई हैव अ बैचलर्स एंड अ मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम एंड्रूज यूनिवर्सिटी इन बेरियन स्प्रिंग्स. मेरे ख्याल से आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया एज अ मार्केटर फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी एंड एज अ कंप्यूटर सेल्समैन. When I was in Australia, I drove a Jaguar. Jaguar, expensive car, na? I returned to Fiji in 1996, at a time when my father was a senior member of the parliament, of the government. And through my father's influence, I became the chairman of Fiji Pine Limited, chairman of Fiji Hardwood Corporation. Param tu tarjane la kone, na? And in February 2002, I was convicted of treason and I was sentenced to death. Ramar mood mein baar nahi hai. The sentence was later commuted to life in prison. At the moment, I am serving my sentence at the Namboro Maximum Security Prison. Who am I? I am 64 years old. Jaldi jao. Kafi John, uske baare mein nahi jaane. Aaj bio data padh ke bola mood khajwa tha ek aunty logon. Jaldi likho. Pehla sawal. I am 64 years old today. 64 brother. Wow, he doesn't look that old, bro. Na Australia la pani piece jana hai. So oh no mai. Hai. Aur ji ha dosto, ek pehchan gareeb insaan ki jitna bhi uske paas hota hai using usi mein khushi rehte hain. Ek ameer hamesha kisi ke piche bhagta rehta hai. Bilkul sahi mere bhai. Totally. Hum to hamesha sabke piche bhagte rehte hain, iske matlab to nahi hum ameer hain. So who am I? Right, 64 years old. I'm at the number of maximum. हमें तो death sentence मिल गया, but then being a Christian state, they reduced to life in prison. Yes, बिल्कुल सही फरमाया है. विनीता R.K. राका ने पहला जवाब दिया है. No, I think the first answer was given by R.K. राका. R.J. राका. साथ में विनीता सिंह का नाम लॉक कर लिया जाए और आखिरी में अभी गाउंडर ने स्पेलिंग अभी गाउंडर यस अभी और अभी गाउंडर अभी साथ में जॉइन हुए हमें गाउंडर को लॉक कर लिया जाए. हां तो परम 64 इयर्स की हो गई बेचारा एंड पीपल नो दैट ही डोमिनेटेड हेडलाइंस फॉर 56 डेज एज ही वाज द ही हेल्ड द नेहा प्रसाद जी. ये एड्रियन कौन है? हम लोग पहले भी थोड़ा हिंट दे दिया था. एड्रियन सोफील्ड कौन है? गूगल मारा तुम बोले. महेंद्र चौधरी उसके एमपीस को इन्होंने हॉस्टल रखा था और आंदोलन हुआ था पीजी में. एंड 20 लोगों की मौत हुई इन द वायलेंस ब्रो. 20 पीपल डाइड इन द वायलेंस. कुछ लोगों को उन्होंने बरी किया था ना गवर्नमेंट हाउस के आगे. आई थिंक मोस्ट सम ऑफ देम आर स्टिल बरीड ओवर देयर आई बिलीव. पता नहीं लिख चला गया. हां स्टिल बरीड देयर. आई रिमेंबर दैट टाइम इट वाज वेरी डार्क डेज फॉर मी एज़ वेल. आई वाज एट रेडियो फिजी एंड आई वाज हेल्ड एट गन पॉइंट एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड दैट टाइम एज़ वेल. So, तुम भी बंदूक के देख लिया? बंदूक देखा दी सर. बड़ा बड़ा बैरल रहा कि छोटा बैरल?
राकेश बोले बहुत नोगना तू पीएम था, चलो केफ्यू में हम निकल गया रहा सी। आई वॉज वेटिंग फॉर द एफबीसी वैन टू पिक मी अप, तो हम पड़ोसी में चल दिया रहा नगुना पिए केफ्यू रहा वही खड़ा रहा। पड़ोसी में तुम आदत है नगुना पिए के, केफ्यू में ब्रेक नहीं करा जाए कभी केफ्यू ना। सो यस 56 डेज हेल्ड करिस एंड ही वाज एट नुकुलाउ आइलैंड एट द बिगिनिंग, उसके बाद में अभी तो नंबरों में आई थिंक ही इज बिकम माय प्रीचर। बड़का एग्जीक्यूटिव है, कुछ एग्जीक्यूटिव करे ने अभी प्रिजन में, अभी ही इज अ प्रीचर आई थिंक ही हैज डन हिज डिग्री एज वेल, ही डिग्री तो रहा बट हिज किड्स मस्ट बी आई थिंक ही बड़ा हो गया होगा तलतला बन। डू यू थिंक दे विल रिलीज हिम इन गुड बिहेवियर बॉन्ड एंड ऑल दोस थिंग्स दैट दे डू? Well, in the last election, pardon? The opposition party in Fiji, they pressed for his release, but Baini Maram ne kaha khabaddar bole itna 20 jan mara hai hamar 12 aadmi log ke, you know they shot at Baini Maram as well, to apan rakhi se dil mein na, no he's not getting out bro, he's not getting out, so he's still there. Another government might come and might change it, you never know. The other government 100% I must say, if there's another government in power they will definitely pull him out. Oh, he's a matured man, he's a role model for the prisoners in the prison. Sabke acha se baat kare. I saw his speech in YouTube, dekhna. Ek koi chupe se utari se, he's advising some of the prisoners in there. He may be a good man, but logo ke dilo mein inhone bahut hi bad memories paida kiya hai. So we won't be, yes. We can forget him, but not forgiven. Or we can forgive him, but not forgotten. We cannot forgive him, no? Kehte hain. It's part of the history, no? Part of the history bro, 64 ki hoi gi hai, so he's doing well, but dekho Australia mein raha yahan acha hai degree ma sab acha kaam kon jare jao wahan Fiji mein jae ke na 4 din ki chandni na kya ped kaate na utna bhari sab ped logon ne sandalwood logon na konchi bole Fiji mein boy pine palm whatever they planting over there forestry industry is quite big forestry industry is quite big in Fiji. So he was the chairman, I remember that time, and it was run at a loss. Jahan jahan hi chairman raha, George Speight, it was run at a loss. And newspapers, every day, they used to come about his deeds, you know. Kabhi profit nahi bana paata. He's a failed businessman, failed in everything. Tab bhed bhav jagai ke muani veni se, and he did so many things during his time. So there well, let's fire another question, my friend, before we proceed. People still remember him, bro. Tum bola nahi karis, dekho. Hai No, I am George Speight. I knew straight away. Hum jaan gaye itna bekar aadmi. Nahi yaar. Acha politics pe chala hai to ek baat aur bata de, right? Haan ji. Who am I? The politics pe chala hai to ye aadmi ki dekhiye koi yaad kare ki nahi. Still politics, I don't know why I am. I love politics. Then I tum join kariyo politics mein. Black Town ke meya. Black Town ke meya. Who am I? Right? He, this is the guy who aaj padosi ke jawab nahi hai iske matlab aaj list nahi kiya dar padosi bahut jawan hai ye to uske time nahi raha bichari ke to wo he was a member of parliament apan time bahut khatarnak par par hum to janta uske in the parliament he introduced a parliamentary motion calling for a resolution hindustani ke against it. He said that this house agrees that the time has arrived when Indians or people of Indian origin in this country be repatriated back to India and that their traveling expenses back home and compensation for their properties in this country be met by the British government. Aur kahin jahan prachar kare uske bada bada banner likhe no other way these people must go. Indians ki bahut hate karta raha lekin uske liye poultry farm raha mere khayal se number one mein is from the west aur so poultry farm mein sab hindustani kaam karta raha are da Yeah, तो वो भी निकल के भीग रहा लेकिन हिंदुस्तानी की देख ही नहीं मांगत रहा। He died in 1999. कौन है वो? कौन है वो? हार्ट अटैक रहा हुई बहुत खतरनाक आदमी रहा। हरदम मार्चिंग उचिंग तो नहीं करता रहा फाला कौन है? हरदम मार्चिंग उचिंग तो नहीं करता रहा मार्चिंग अचिंग करता रहा पोर्चा निकालत रहा हमें पूरा नाम चाहिए अगर आप हमें बतलाते हैं तो योर नेम गोज इन द ड्रो और सब दिन वो पहने कपड़ा तो यहाँ बहुत टाइम रहता रहा ओके कौन रहा कौन बुतुरा की रहा हूँ राइट सो हिंदुस्तानी देखे नहीं मांगे मतलब पोल्ट्री फार्म में सब हिंदुस्तानी काम के तो कोई पूछी उससे पर हम बोले तो अगर सबके भेज देख पीजिए इंडियन लोग इंडिया तो हम पोल्ट्री फार्म में क्या काम करी बोले हम बंद कर देगा है ना सब चिकन मार के बंद कर देगा राइट सो ढेर सारे दोस्तों ने हमारे पास भेजा है विनीता सिंह सकिया सी भूतन ड्रोखा अभी गांडर खाली भूतन ड्रोखा लिखी से सीमा कुमार के नाम विल बी टेकिंग ऑल द करेक्ट
रिटर्न आंसर्स स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चल जी किसके ला ले हम लोग पूरा आंसर दिस विनीता सिंह एंड सीमा कुमार एंड सकिया सी फ्रॉम सांबेतो संजय एंड राधिका राज सही जवाब स्पेलिंग अच्छा है संजय सकिया सी ब्रोका फ्रॉम सांबेतो फ्रॉम द वेस्ट यस आई रिमेंबर दैट सो बहुत खतरनाक आदमी रहा है हु इज द सेड नेम संजय एंड राधिका राज और सब दिन मांगे सरकार गिराए एंड व्हेन प्राइम व्हेन लेबर गवर्नमेंट आई तो और ये मांगे तरह गिराए ना एंड सो मेनी मेनी थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम ओके अब नो मोर पॉलिटिक्स आफ्टर दिस सबके पॉलिटिक्स गिराते रहते अपने सेट है ये अपने गिर गया अपने चला गया ऊपर से ताकत गरिया थी हमें ना सुजीत चंद हाँ सॉरी ये पड़ोसी नूटा तुम बहुत यंग रहा बच्चा दी शी वॉज अ बेबी तब ये सब चीज बहरा यही टाइम पेशेंट के आई के रहा अभी सी के Okay, there's a question that arises, ladies and gentlemen, अपने दोस्तों को याद करते हैं टोरंटो कनाडा उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा फिर हम वापस आते हैं फिजी टीवी ऑस्ट्रेलिया से बोलो नमस्ते आपका स्वागत है आज के शो में चिटचिट मसाला है शो का नाम हर एक जुबान पे एक ही नाम तो आइए परम और प्रनोल के संग तो आइए परम और प्रनोल के संग चिटचिट मसाला शो में तो आइए परम और प्रनोल के संग तो आइए परम और प्रनोल के संग जी हाँ आपको ये बता दें कि हम फेस थ्री करेक्ट आंसर्स लेते हैं और आपको आरजे राखा आपसे पहले और सारे लोगों ने सही जवाब दिए थे पूरे लंबे से अच्छी तरह से लिखकर तो यू आर नॉट दिस टाइम काफ़ी लोगों ने दिए हम सिर्फ तीन चूज कर रहे हैं बट परम आरजे राखा का नाम तो पहले से भी ड्रो में है सो इट डजंट मैटर एज वेल पहले टेंशन नहीं लेना भैया और टेंशन नहीं लेना और वेरी ब्यूटीफुल जिंगल सेल्विन साथ में By Deepak, thank you very much. Aur param wo she last week Diwali ko tumhe bataya raha. I bought something from eBay. Abhi ice nahi hai. Kaun si liya? $15 and foot operator this. Toilet seat Bombay. lifter. Pura dam Bombay hai. Sasta la cheez ko jo tum. Nahi, nawa wala pehla baar try kar le kaise hai na? Wo hamare ghar jo na chota la shaitan hai, to do roz mein tod de. To bola sasta la li nahi na. So hamare ghar mein ladki log dher hai, right? Hum log ladka abhi tak hum hi ek ke ladka raha, abhi ek aur aayegi hai. तो सुसु कर रहा था यू नो द सीट्स एंड ऑल दोस थिंग अ लॉट ऑफ कच कच हमको जी कर रहा पूरा देखिए काहे नहीं अभी तक कोई ऐसा आविष्कार करी से कि तुम जाओ सेंसर लगे टॉयलेट ला सीट ऐसे उठ जा रही नो उठ जाए एंड देन द मेल्स कैन हैव देयर थिंगी एंड देन फिर उसके बटन दबाओ गिर जावे बट आई फाउंड वन इन ईबे में ला रही हम लोग से पहले से कोई आविष्कार ही कर दी से ना सो आई जी तो तुम्हें बताया कैसे रहा बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनीवे तो कोई की घर में है ऐसे अभी आई मीन आई थिंक आई सपोज इफ यू गॉट इफ यू यू नो इफ यू डिसेबल्ड एंड इफ यू डोंट हैव एनी आर्म्स फॉर दैट मैटर यू नो इफ यू बीन इन आर्मी एंड ऑल दैट उनके घर पर ही होगा क्योंकि प्रोबेबली दैट यू नो आई सपोज ओ डिसेबिलिटी है कोई रकम से यू नो ओनली वन मूव्स और समथिंग सो यस दे कुड प्रोबेबली यूजिंग इट सो इट विल बी इंटरेस्टिंग फोटो उतार के चुनना भैया राहुल के नहीं दिखा देना फोटो राहुल के फोटो उतार के भेज देना राहुल को उतार के फोटो भेज देना रात के आंखी से खजवात ऐसे ऐसे करते जी आंखी मिचते जी और नहीं यार कौन जी रात के आदमी जो नंगोना पी घरे आवे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग गोर से दबाया उड़ गया नहीं तो पूरा स्प्रे कर दे बाय द वे पर हम आई वोंट टेल द नेम आई वेंट टू समबडीज हाउस उन्होंने टाइम जाता है वी हैव अ फ्यू बाउल्स ऑफ ग्रॉग नो माइल्स लोग बैठा रहा एंड देन आई वेंट टू द टॉयलेट एंड देन वो भैया के घरे द मेल से यार दे बिकॉज कोई की टॉयलेट पेन लोग इसे जब उठाओ ना दे डोंट स्टैंड देयर गिर जाए फिर से ना तो आदमी लोग मेरे को लगता है कुछ कसा में बस दे स्प्रे द होल होल सीट यू नो नेक्स्ट डे घर वाली जिसके राय को रकम गुस्सा हुई ना बट यू नो आई डोंट नो सो सेम टाइम हमें ख्याल है कि हम लाइक गोट बाय दिस थिंग्स तो अपने से उठे बोला टॉयलेट लाइक जो उठने में ना काम आए वही ले तो रहा
वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बता दें कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से चुटकुले हैं या कुछ और भी डिटेल्स है, जानकारी है, या तो फिर आप कोई स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, इत्मीनान से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें आप भेज सकते हैं, मास्टर जी को आप लास्ट मिनट में भी भेज सकते हैं और साथ साथ में मुझे भी आप पीएम कर सकते हैं उसमें। तो याद रखिएगा 700 हो गए ब्रो, 5 गिने एक पड़ी उंगली, 700 हम 8 उंगली नो जावे, होपफुली हो जाए। ए होपफुली कुछ 1000 ले बीमल, बीमल से नहीं बताना सूजी दी से, बीमल से और 50 निकाल लियो। हां ना प्रणो, ना आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछे मनता ब्रो आज। राइट, हम भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया ब्रो आज। हम लोग, अरे दादा विश्वास करना मामा, हमने भी कुछ रखा है तुम्हारे कहते ना। अच्छा चलो, ये इसी बात पे तुमके जनता है, तुम बहुत स्मार्ट वाला है, हम उतना स्मार्ट नहीं जितना तुम है, बट तुम बहुत स्मार्ट वाला है, तुम बहुत स्मार्ट वाला, खाली देखे में ऐसे लगता तुम यार, तरह आखी तरह से साइड दिखावे भाई हमें तुम। लेटर एन से हमें 5 फिल्म का नाम बताओ, हम अभी 5 सेकंड आपको देंगे, ठीक है? बेसी टाइम दो यार, 10 सेकंड फटाफट चलो, एक टाइमर ऑन कर ली। हिंदी हिंदी कौन सी बोला, फिर से बोलो हिंदी बताइए। हाँ जो बताओ, रेडी 1 2 हिंदी इंग्लिश, हाँ हिंदी 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 चाहिए, हम लोग हिंदी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, चलो फटाफट यार शुरू हो गए। 10 सेकंड्स हाँ, नसीब निशबद 5 6 दी बचा है यार, अभी हम नहीं जानता यार। अरे नालायक नाजायज हरदम तुम बोलता है, 15 सेकंड चलाइए वो वहाँ पे, हरदम नाजायज नाजायज तुम बोलता है। यास्मीन जी कॉपी करा, हम नागिन बोले, सब नागिन बोल दिया है ना, चीटिंग करा तुम भाई। ए यार ऐसा तो तुम्हें मैं और एक टेस्ट देगा, अगर नजर लिख दी से वादे ना तुम, हम जानू ना हम, देखो अरे यार वाह फटाफट नमक हराम लिखी सूजी, नमक हलाल हाँ यार ना नगा नसी, अरे दादा फूल के परियों बहुत भारी फिल्म देखे लो रे, नमक हराम कितना ढेर फिल्म देखो वादे, एन से शुरू है। अच्छा एक और एक चीज आपसे मंत्र पूछी, जैसे है ना अमावस की रात होती है ना, है प्रणो, तो अगर आपके नाम, आपके बीवी के नाम एग्जांपल ना, दिस अ फ्यू नेम्स आई वुड लाइक टू गिव यू, आप उसमें जोड़ना, अच्छा सेकंड चीज जोड़ना, और तरह फिल्म फिल्म स्टोरी ध्यान में रखना, फिल्मी लाइन की बात है ये, जैसे कि राज, अगर कोई के नाम राज है तो उसके तुम एंड में कौन नाम देगा, जैसे राज कुमार एग्जाम्पल ना, तो ऐसे हम बनता आपसे, राइट? गिव मी अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल हम तुम्हें देंगे, तुम जैसे कि प्रेम, प्रेम तुम्हें दिया ना, तो फिल्म का नाम कंप्लीट करो, कहानी, बस सिंपल है। ओके ठीक है, नंबर वन इज पूनम, पूनम की रात, अरे दादा क्या बात पूनम की रात है, हमारा नाम लिख दे ड्रो। करण, करण अर्जुन सीधा, अरे तुम जनाए जनाए लाइक करता फला के भाई, कौन फला, शाहरुख, शाहरुख नहीं एक और ना के सलमान, और तुम बताओ चाहे को है, और तुम ऐसे ना बताओ, नमक हराम, हराम। अच्छा एक और एक बताओ, नमस्ते, नमस्ते लंदन, देखा है फिल्म तुम, देखा, और राजू, राजू राजू बन गया जेंटलमैन भाई, हम नहीं सोचा रहा मंत्र ये में तुम्हें पकड़े, तुम देखा है फिल्म, बहुत जुल्म फिल्म है, बहुत फिल्म देखा थिएटर में, चुपे ची, चुपे ची, थैंक यू, पास हो गया तुम भाई, एक में फेल हो गया तुम्हें फर्स्ट वाला में। हां नाउ आई एम गोना गिव इट टू यू, हमें अच्छा से देना, प्यार से समझ समझ के देना, हम लिखता है हराम कार, हाँ बोलो भैया। अच्छा हम गेस द नेम ऑफ द फिल्म, हम इंग्लिश में बताएगा फिल्म के नाम, आप हम हिंदी में बताना, राइट? जैसे हम ड्रंकट बोले तो शराबी, ठीक। अरे यार 6 बजे से 7:27 हो गए, अब इतना हमारा ब्रेन कहाँ दौड़ी। अच्छा ना बहुत बहुत नहीं कह रहे, अच्छा मान, अच्छा अच्छा राइट, बोलो बोलो। प्रेम फाउंड जीवल्स एंड वेल्थ, प्रेम फाउंड जीवल्स 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 एंड वेल्थ, लव, ओ
प्रेम अनुवाद प्रेम प्रेम फाउंड ज्यूल्स एंड वेल्थ यार प्रेम फाउंड आप किसी से ज्यूल एंड वेल्थ यार तो फैसला में हम हार गया देखो सूजी चंद फट से लिख दिस कहां लिखी से देखो प्रेम रतन धन पायो दादा ये कौन रकम बहुत डेंजर हम तो कास की तुम हम काम के लड़का अच्छा हम ट्राई एक हम मंता राइट मारे ये सब चीज में बहुत स्मार्ट नहीं है एक हम राइट मारे मंता बोलो मैं क्या है बेटा तू फिल्म मैं क्या तू उस्ताद अरे ये सब बेकार फिल्म हम नहीं देखता प्रेम रतन धन पायो कौन पायो सब नहीं उस्तादों की उस्ताद है तुम भाई अच्छा नेक्स्ट वन समथिंग समथिंग हैपेंस कुछ कुछ होता है क्या बात क्या बात क्या बात वो तो थोड़ा हार्ड रहा राइट अच्छा नेक्स्ट वन I have given my heart away. मैंने तुमको दिल दे दिया. मैंने तुझको दिल दे दिया. I have given my heart away, darling. Darling. मैंने. I have given my heart away. हाँ. ऐश्वर्या राय की फिल्म है सलमान खान साथ में. I have given my heart away, darling. हम दिल दे चुके सनम. क्या बात क्या बात. क्या बात. चरण क्या बात. चरण स्पष्ट भाई. चरण स्पष्ट. सूजी हम थोड़ा आगे लास्ट वन राइट लास्ट वन फॉर यू सूजी देखो फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स V8 पे भैया पड़ोसी पड़ोसी पावा लास्ट वन दिस इज अ बिट डिफिकल्ट वन आमिर खान की फिल्म है बट वन हु विंस इज अलेक्जेंडर जो जीता वही सिकंदर पुए कैसे तुम जानता यार बहुत देरी में क्लिक करी जब क्लियर लगे तो रुके नहीं ये या ना बहुत डीजल इंजन ब्रदर चौको के नहीं खींचे एक पड़े गरमा जाए जो तो फाया करे रोड नहीं जाने मड्रासी भाव तो पर हम वैसे फिल्मी दुनिया पर जो हम बातें कर रहे हैं आज अभी हम देखता हूँ फिल्म यार 2019 में फिल्म आई आई मिस्ड इट पीएम नरेंद्र मोदी देखा है तुम बच्चों बोला समझो कैसे बोले नरेंद्र मोदी बता हम नहीं जानते यार ऐसे तो कुछ बकवास अयो भाई ना ओ मैं इस बहुत बड़ा स्ट्रेस करे ना आज भाइयो बहनो ऐसे करे ना तो तुमसे क्या है कि तुम्हें हाउ बैक हम दिया रहा लास्ट वीक यार नहीं 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 इसे काम भूल गया यार अच्छा सो आई एम वाचिंग दिस मूवी आई एम अबाउट टू फिनिश इट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 29 इट्स अ गुड मूवी उतना अच्छा नहीं चला 2019 में बट इट्स अ बायोग्राफिकल ड्रामा रिटन बाय अनिरुद्ध चावला और विवेक ओबेरॉय Vivek Oberoi, so they got together all the evidence of all the biodata of Narendra Modi, the film Malala, and the film's plot is loosely based on his life to in becoming the 14th Prime Minister of India. He was a chaiwala, na? He sold chaiwala or something. Chaiwala, huh? So he starts off as a poor chaiwala, tisela, and rises up to several challenges in life, Malala, and finally he becomes the 14th Pradhan Mantri of India. तो इट्स अ बायोग्राफिकल डाटा आई मीन मूवी अगर आप देखना चाहते हैं ये ड्रामा इट्स अ वेरी गुड ड्रामा अगर आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं दिस फिल्म इज फॉर यू अगर नहीं तो कल्टी मार लो तो जाके गांधी देखना हैं गांधी देख गांधी 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 तो ये नरेंद्र मोदी परम यू शुड सी दिस मूवी व्हाई शुड आई सी इट नहीं तो बड़ा बड़ा आदमी लोग इंटरव्यू करता है पॉलिटिक्स में यू आर अ बिग मैन ऑफ द ईयर सो थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज हो जी नरेंद्र मोदी के बारे में आई लाइक एक्चुअली बिकॉज़ आई लव ऑल द कैनेडी स्टोरीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज सो वॉच देम सो यस सो ऑल दिस या ईडीएमएन पे भी बना रहा है देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज आउट देयर इन बट डॉक्यूमेंट्री से अच्छा रे मूवी अगर देख ले अब बेटा इधर उधर रहे बट यू नो आई लव्ड गांधी यस बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चला अच्छा से बट इट हैज डन गुड So, बाप बेटा दोनों उसमें है नरेंद्र आई मीन विवेक ओबेरॉय साथ में बिकॉज ही इज रिटन उसके डैडी भी है उसमें है सो ग्रेट पिक्चराइजेशन और अभी नेटफ्लिक्स में है नेटफ्लिक्स में है आप तो हम उसमें देखते हैं ट्राई विजन में ओ बाय द वे आई हैव बॉट ट्राई विजन थैंक्स फॉर टेलिंग डिस्काउंट मिला कि नहीं तुम्हें कल सैटरडे इट हैपेंड ऑन सैटरडे द गाय केम एंड फिक्स्ड इट अप सैटरडे World makes expire हो गया so ये बहुत अच्छा चले and how much does it cost $199 में he'll come and set delivered set तो easy है but he came and did it for me okay Tri-Vision धर्मेंद्र के बताया है धर्मेंद्र बताया no problem and
he can offer other things. He has spoken to me, so I'll talk to you later. But okay. Yeah. So, TriVision में हमने देखा है और अनुपमक सीरीज जो है अभी आप देख रहे हैं, so it's getting interesting. So, whatever the transition was, it was an easy transition from the other box you had to this one? Exactly. वही वाया यूज करो, वही दुई वाया इसके पीछे ठेल दिया. That's it. तो टीवी सीरीज and all the framework and जो भी वहाँ आप देखते थे, it's all here as well. Everything is up there. Plus well, my brother just paid $100 something. He said, I spoke to him. He said, he paid 60-70 something for renewal. My brother for the other one. Fiji me? No, here. I'm talking about here. So it's 100 plus is for renewal every year, but TriVision me 200 me you get it for 5 years, 3 years guarantee. Free. So you don't pay anything. No subs. Fiji me आप देख सकते हैं, ladies and gentlemen. It's called TriVision और ज़्यादा जानकारी के लिए हम दोनों को आप PM कर सकते हैं. अगर आपकी जो इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, उनकी जो साधन अच्छी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. यू नीड अबाउट आई थिंक 1 meg डाउनलोड समथिंग मैक्सिमम फिजी के लिए. फिजी में तो हम लोग से आगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी 100% दे आर नहीं सके, हम लोग से आगे ब्रदर लोग. सो दे मस्ट हैव गुड ऑल द प्रोविजंस देयर. TriVision इज द नाम. और प्रीति अमित अनुपमा भी तो बहुत अच्छा हुए लगा है. प्रीति अमित कुमार अनुपमा एकदम जागो फाड़ो है, आई वुड से इन फिजी हिंदी. Param, they are missing a lot. Sorry, I don't have it. I don't have it into the subscription that I pay. I'm chori wala unhi dekhta. Dekho, tumhe padarth se problem nahi hai. If the product is out there, so be it. Baiti kaise kehte hai? Baiti Ganga mein na lo. Oh, by the way, Param, TriVision mein it's got Netflix as well. क्या बात fully loaded है. जो भी एपिसोड आता सब उसमें एकदम लेटेस्ट. और इंग्लिश मूवीज हम देखते आ रहा एवरी इंग्लिश अभी लेटेस्ट वहाँ जो निकला है लास्ट वीक इट्स ऑल अप देयर. सूर्यवंशी इज देयर एज वेल, बट उसके कॉपी थोड़ा गड़बड़, इट्स अ थिएटर कॉपी. सो बाद में जरूर आएगा. सूर्यवंशी यास्मीन जी ने लिखा है, थिएटर्स में अभी चले हैं. हाँ, इज डूइंग गुड ओवरसीज. सूर्यवंशी इज द मूवी. सो यस, नेटफ्लिक्स इज देयर एज वेल परम. सो देयर यू गो, एवरीथिंग अंडर वन रूफ. इसमें हालांकि दिसंबर के ही महीने में तूफान आता है, लेकिन हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं. दिसंबर दूर है और दिसंबर के ही महीने में तूफान के ही महीने में हम ड्रॉ करेंगे $700 और बस आपको जो नए हैं सिर्फ इसका सवाल देना पड़ेगा. और एक बात बता दी परम कि लास्ट टाइम अश्विन देव साथ में मी वी वन कैंडल्स फ्रॉम ओके हैव यू गॉट इट देयर. उधर आई फॉरगॉट, आई विल नेक्स्ट वीक. कॉनरा हु गेव इट विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ रोमी शर्मा हमें मिल गए कैंडल एंड होपफुली अश्विन से पूछेगा इफ हीज गॉट इट. सो ये आज का सवाल है, सवाल नंबर 3. अच्छा, ये तो सबको जान है परम, तुम नहीं जान पाएगा. हम नहीं जानता है. राइट बात बोला ब्रदर, राइट बात एकदम पूरा. ये हम लोग टाइम के ओके, कौन बुक के हम लोग टाइम के पर तू टाइम का रोमियो जूलियट. आई एम गोइंग टू रीड यू अ फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम अ लवली शॉर्ट स्टोरी दैट एवरीबॉडी इन फिजी नोस. आपको हमें ये बतलाना है, दो चीज बतलाना है पर हिंदी की चौथी पोती. हां, दो चीज आपको बतलाना है सही उत्तर में. The name of the book and the name of the writer, right? Writer अभी पूछ रहे हैं यार, इतना hard है. हम तो अभी तक हम तो दिमाग में teacher लोग crank कर रहे हैं. तुम तबे से master है यार. Title and तुम तबे से master है भैया जी. अच्छा. Please माफ करना. अच्छा, तीन चीज में से देना, right? नहीं master के master. तो easy कर दो. Right. अच्छा, कोई चीज दे दो, right? नहीं, but बहुत easy हो जी यार. Okay, I'm going to read you a few lines. Can you resonate with this, ladies and gentlemen? Shoot. He shouted to the red team's center forward, his voice ringing above the shouting of the Mets near to capacity crowd. The ball was finally snatched away from the attackers with cat-like speed by the white team's defense. The self-proclaimed soccer star was on the sideline. He had arrived from the city 2 days before. He was born in this village of Tau Tau, but had lived most of the time in the city, attending school there. However, every holiday he came home to his family, and it was during one of these holidays that this match occurred.
साहू वाज द नेम ऑफ द यूथ. अश्विन देव रहता जान जाता साहू मेन बॉय साहू वाज द नेम ऑफ दिस यूथ. हिज फेवरेट टीम वाज द वन इन रेड. तुम्हें कौन साल में पढ़ा? हमने पढ़ा यार. कैसे है तुम जानता है? He used to go around with boys of that particular team and he knew. Story ऐसे कि गांव के का लड़का है सब दिन ऐसी टीम रहे. सूजी चंद जाने के लिए दिमाग से निकल गए. तो एक बंदा है जो ही सूजी हम भी नहीं जानता है. हम लोग के लेवल की बात है. जैसे हम लोग रहते हैं गांव में. सो जो छुट्टी हुई तो सिटी के लड़के नहीं है गांव में हम लोग ना. तो जो सिटी से आए सोचे हम लोग सब पागल है ना. विनीता सिंह भी बोल दिस नो आइडिया. जाने हैं जाने हैं मेन बॉय रहा साउ. तब बोलिए हम सोका ए सिटी में ऐसे कर रहा है सब. वेस्टर्न साइड के फला रहा है. वेस्टर्न साइड के फला तो नहीं रहा. तुम बोला इजी है दम. देखो वाह रेहर राज आंसर दी से एक थोड़ी एकदम एकदम इजी. इट्स नॉट दैट इजी बट एकदम इजी है ना. और परम तो स्टोरी ऐसे है कि एक लड़का साउ नाम है अश्विन देव जाने बट इज नॉट हियर. साउ इज फ्रॉम द सिटी. ही कम्स टू द विलेज. नो वो कम पड़ा रेफ्यूजी द लैंड एंड इट्स पीपल. लड़कन से बड़े कुछ नाम है ट्रेजर आइलैंड. लड़कन से बड़े ही कह रहे बोले हाँ बहुत अच्छा सोका खेलता ये कर देता सिटी में ऊबा. अचानक से बस एक गैप मिल जाए ना. बट बोले अरे कपड़ा पहनो तुबा मैदान पे और जिंदगी में बॉल में किक नहीं मारिस रहा है ना. सामू सामू ट्रेजर आइलैंड बिल्कुल नहीं है. नेहा प्रसाद सीमा साथ में प्रीति आइलैंड ट्रेजर. आई थिंक द बुक इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन फिजी हाई स्कूल्स में फॉर्म थ्री में. चलो ये भी बता दी अभी भी यूज है. अभी भी यूज है शॉर्ट स्टोरीज है. कौन फॉर्म थ्री के तो कोई है ही नहीं. आप अपने लड़कन बच्चन से पूछो लपक के. ये यार जब हम पढ़ता रहा तो इसे हम पूरा पैसे दिमाग में रखते रहा बिकॉज इट्स सो इंटरेस्टिंग. जब तुम पढ़ता था डिफरेंट बुक रहा. आज के जवानी की बात है भाई. 30 साल के बात है. गूगल होगी ना. हम लोग टाइप गूगल नहीं सब क्रैक पढ़ता रहा. तभी हम लोग इतना पीछे है. शूट शॉट इट. हमें नहीं याद है सच्ची बता दो भाई यार. म्यूजिक म्यूजिक क्लब बुक में देखते ध्यान रहे. और बताए इट्स अ येलो बुक शॉर्ट स्टोरी बुक. उसमें ढेर शॉर्ट स्टोरीज है. डोन ऑफ माय मैनहुड नहीं. कृष्णराज जी स्वागतम आपका. कृष्णराज जी बहुत जल्दी जवाब दे दे हैं भैया. सही जवाब दे. एक जवाब तुम दिया गड़बड़ है. नेक्स्ट टाइम लॉक कर लिया वो आज. क्या लॉक कर दिया कृष्णा जी? ओके आपको लॉक कर लिया आज. कैसे बात है बताओ? मेन बॉय साउ रेवे साउ. अच्छा इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़िए. हाँ लीव्स आए सूजी बोले लीव्स. सूजी चंद थोड़ा नजदीक आए से रूट्स. सूजी थोड़ा नजदीक आए से आज रखा थोड़ा नजदीक भय है. The self-proclaimed soccer star was on the sideline. He had arrived from the city 2 days before. He was born in this village of Tau Tau, but he lived most of the time in the city, attending school there. Sau was the name of this youth. No. Kuch aur likh diya agar isme log roots to acha chalo ek baar roots hai, but three names raha book ke naam. Kaise yaar? हम बताएंगे तो सबके दिमाग में हल जी. सत्येंद्र नंदन वाज ही रोट अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज. दैट्स अ डिफरेंट शॉर्ट स्टोरी. आई स्टिल रिमेंबर दैट. सत प्रोफेसर सत्येंद्र नंदन ही रोट अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज. दैट्स अ डिफरेंट बुक में ढेर शॉर्ट स्टोरी संगे. जेम्स पुले देखो रूट्स वाकर जड़ इसके नाम लॉक करो भाई. देखा कैसे मंदरा जी के दिमाग चले है पर हमें. रूट्स वाकर जड़. सूजी चंद के नाम भी लिख दो पहला गे. जेम्स माधवन और आज रखा तो दे दी से. अपेर ब्लैक शूज वाज रिटन बाय सत्येंद्र नंदन. सो यस इट्स दिस. हम बताया ना सत्येंद्र पी नंदन नहीं जेम्स बोले. इट इज पेने हुरो हाउमा. पेने हुरो किसके किसके नाम है? जेम्स के सूजी के और नेम्स के सूजी के है और साथ में आरजे राका. बट इसके नाम तो पहले से है ना. ही इज ऑलरेडी वन वन ना. Yes. The roots waka jad. Aur koi nahi, aur koi nahi. Shoot to win. Aur par hum bahut der se bolte raha ki it's not that easy. A title ke naam hai it's not that easy. Is short story ke title it's not that easy. Oi. Easy. Sahi hai, it's not that easy.
सही जवाब किसने दिया है तीसरा? प्रिया पी प्रसाद आर्य राका जी, आपने सही जवाब दिया है, मगर आपका नाम तो पहले से हम लिख चुके हैं, तो प्रिया पी प्रसाद का नाम हम लिखते हैं। रूट्स माकाचर, आई नेवर रीड दिस बुक ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम। अच्छा, गो फिजी में, बट अभी चले। साउ वाज द यस। देखो जेम्स पुल्ले जाने, साउ वाज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो 1980s। बिल्कुल सही आर्य राका जी। और परम हमें जिन जन जन लोग शो का लाइक करते हम लोग हम लड़के बॉयज वुड हैव रेजोनेटेड वेल विद दिस शॉर्ट स्टोरी, तभी याद है प्रॉब्ली हमें ना। Natambua Power, yes, I was in Natambua that time, Arjo Raka, yes, that's the time. Right, It's Not That Easy by Pene Hurahoma, a book, pustak ka naam hai, Roots Waka Jad, yellow book ra. Mr. Rajuji, maybe before our days, could be. Abhi bhi, abhi bhi phuntri mein bole. Before Param Sir Krishna Bhaiya ke days se pehle ki baat hai na. खैर, हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेकर, और आपको ये बता दें कि हम 700 हमारी जो गिविंग पावर है 700 की ओर हम बढ़ चुके हैं, और बड़े धन्य के बाद हमारे जो एक मुख्य अहम मेंबर ने डोनेशन दिया है आज, तो इसी के ज़रिए से पब्लिसिटी नेक्स्ट वीक चेंज होगा गाइस 700। अगर किसी को और भी डोनेशन देनी है तो प्लीज़ डू गिव विलिंगली, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप दे सकते हैं, तो 700 से आगे बढ़ाना है। इट्स एक्चुअली अ चैरिटेबल गिव अवे टू दोज थ्री पर्सनालिटीज दैट विल बी विनिंग ऑन 20th ऑफ दिसंबर हियर लाइव ऑन फेसबुक ऑन चिट चैट मसाला। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों साथियों, आपको ये बता दें कि हम थोड़ा सा गाना बजाना चाहते हैं, तो प्रणुल को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, एक छोटा सा गाना, यानी कि गाना लंबा है लेकिन हम छोटा ही बजाएंगे। और प्रणुल जी, यू हैड सो मेनी गाइस सिंगिंग ना, तो कहाँ गया वो? दिस गाय हैज़ मेड हिज ओन कंपोजिशन, ही लिव्स इन, हिज नेम इज शनिल एंड लिव्स इन मेलबर्न। थोड़ा सा हल्का साज तुम ही है, नगमा तू ही है, तू ही मेरी संगम। मर्ज मेरा तू, दर्द मेरा तू, तू ही मेरा मरहम। साज तुम ही है, नगमा तू ही है, तू ही मेरी संगम। आशिकी तू ही, इश्क तू ही मेरा, तू ही वक्त मेरा है।
चार दुआ मैं मांगू, मैं एक साथ तेरा हमदम है ख्वाहिश, बस इतनी करता रहूं मैं दीदार तेरा, है जुनून तेरी है जुनून तेरी है जुनून मेरा, है जुनून तेरी है जुनून तेरी है जुनून मेरा, है जुनून तेरी है जुनून तेरी है जुनून मेरा, है जुनून तेरी है जुनून तेरी है जुनून मेरा, है जुनून तेरी है जुनून तेरी है जुनून मेरा, है जुनून तेरी है जुनून तेरी है टीवी ऑस्ट्रेलिया से बुलो नमस्ते, सबका स्वागत है आज के शो में, चिट चैट मसाला है शो का नाम, हर एक की जुबा पे एक ही नाम, तो आइए परम और प्रणोल के संग, आइए परम और प्रणोल के संग, टीवी ऑस्ट्रेलिया से बुलो नमस्ते, सबका स्वागत है आज के शो में, चिट चैट मसाला है शो का नाम, हर एक की जुबा पे एक ही नाम, तो आइए परम और प्रणोल के संग, तो आइए परम और प्रणोल के संग, जी हाँ जुड़ जाइए परम और प्रणोल यानी कि पी और पी के साथ हर सोमवार को। हाँ जी, लाइक द कंपोजिशन ब्रो, लवली लाजवाब कंपोजिशन हम कहना चाहेंगे परम, वेरी वेल डन एंड इज अ मास्टर म्यूजिशियन आई वुड से, वेरी रेगे भी इसमें रेगे टच मार दी था और अच्छा लगा, हम बजाए हम वाला लड़का फुल एकदम टफ है जी। हाँ तब हम आई टू जेड सुना, वैसे हम बग बग इधर उधर नहीं, और तब से हम आई टू जेड बजाया है खास तौर पर आपके लिए दोस्त। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, आई मीन पास आवर हंबल रिगार्ड्स चिटचैट में मसाला की ओर से, साथ में जितने भी लोग सुन रहे हैं लोगों ने लिखा है कि वेरी नाइस कंपोजिशन, संजय ने कहा है आप उनको बतला देना, वेरी यस ऑफ कोर्स आई पास द मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स इट्स गुड टू सी, इट्स अ गुड फीलिंग, खास पर हमारे फिजीनीज जो अराउंड द वर्ल्ड मिगल कर कुछ बनाते हैं एंड इट साउंड्स अमेजिंग, हमारे अपने भी किसी से कम नहीं है परम, यू नो यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो परम एक बात और है कि आज रेणुका शर्मा जी देर से आए दुरुस्त आए हैं हमारे साथ में जुड़ गई हैं, थैंक यू वेरी मच, स्वागत है रेणुका जी आपको इस प्रोग्राम में, और समय भागता चला जा रहा है परम, इफ़ यू कैन गेट द म्यूजिक बैग्स रनिंग सो दैट आई कैन रन अ फ्यू शायरीज हमारे दोस्तों ने हमारे पास भेजा है। दोस्तों अगर आप भी एक दिलचस्पी रखते हैं आपकी पसंद हमारे सराखों पर, आपका जो शायरी है हम ज़रूर यहाँ से पढ़ेंगे, और करते हैं कि बिफोर वी गो टू द शायरी वी लास्ट वन क्वेश्चन व्हाइल दे आंसरिंग और शैल वी कम बैक, ओके चलो चलते हैं, नो नो लेट्स डू द शायरी, यू लेट्स डू द शायरी बिकॉज़ आई लाइक यू टू रीड विद कंसंट्रेशन एंड नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन, बिकॉज़ जब आप शायरी जब डिलीवर करते हैं माशाल्लाह आपकी जो आवाज निकल के आती बहुत ही खूब है, दिल करता है कि प्रेम हो जाए आपकी आवाज से, लेकिन आप शादी करेंगे यार, तुम लास्ट टाइम अच्छा से लिखा रहा पढ़ दिया, अब मिस्टेक करेगा, अब कैसे हुई यार, अब देखो फिर से पढ़े के लिए राइट। रिया राज हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, इन्होंने हमारे पास भेजा ये शायरी और लिखती हैं कि उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है दोस्तों चाहे कि जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करने है चाहे सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े, सो उड़ान तो भरना है दोस्तों चाहे जितनी बार गिरना पड़े, और सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े, और आगे लिखते हैं कि किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी अटूट
भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का जो रंग है सदैव एक जैसा होता है। सो किसी पर अटूट भरोसा, दिल खोल के भरोसा मत करना, क्योंकि नमक और साथ ही साथ गर्म चीनी सॉल्ट एंड शुगर, इनका जो रंग है सदैव हमेशा एक जैसा होता है। ये लिखती हैं रिया राज। थैंक यू वेरी मच रिया राज, आप क्या बात, क्या बात, नाइस, वेल डन, वेल डन, थैंक यू। और कदम से कदम मिलाते हुए यास्मीन जी ने हमारे पास लिखा है और बड़ी भली भांति से लिखती हैं कि जिन्हें इंसानों के रंग और गम की महसूस नहीं होते, जिन्हें इंसानों के रंग और गम, रंग और गम के महसूस नहीं होते दोस्तों, वो इंसान हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। जिन्हें इंसानों के रंग और गम के महसूस नहीं होते, वो इंसान हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। आज भी खुदा ना बदल सके आदमी को यारो, आज भी खुदा ना बदल सके आदमी को यारो, लेकिन आदमी ने सैकड़ों खुदा बदल डाले। और आदमी ने ग्रेनाइट से बने हुए आज भी खुदा ना बदल सका इंसान को, लेकिन इंसान ने खुदा को बदल दिया, है ना। ये क्या बात, क्या बात, नाइस, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू रिया राज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पोएट्री, फॉर योर पोएम्स, सो दोस हैव एक्चुअली गिवन दोस पोएम्स एंड एंड रिया राज के जो फोटोज है रंगोलीला, अगले सप्ताह जरूर हम प्रोग्राम में लेकर आएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। तो अगर और दोस्तों अगर आपके पास और भी कुछ है। जी हाँ अनिश भाई, बहुत ही गंभीर रहा और बहुत ही खूब ही था। और भैया जी आराम से सुने हैं, तुम देखते हैं भाई, तुम्हें देखते हैं, तुम डायलॉग मार लेगा, इतना बच्चा ना डायलॉग मार लेगा ब्रो। अरनिश कितने का किरदार हमार निकल गया बाहर, यू नो, एकदम किरदार तुम पूरा चटक के आ गया। हाँ ओके, तो यस ऑफ कोर्स टचिंग पॉइंट्स। हाँ जी, पाँच मिनट रह गए 8 बजने में, तो आपको हमें ये बतलाना है दोस्तों कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एम आई। चलो बराबर, हम म्यूजिशियंस हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बातें ना करें तो प्रोग्राम का फायदा ही क्या है ना। आपको हमें ये बतलाना है, एक उस्ताद, उस्ताद का नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ही इंडिया के रहने वाले थे एंड ही डाइड इन 2006। सो उस्ताद बिस्मिल्ला खान एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में कि आज तक लोग उसे बजा रहे हैं। एंड बिस्मिल्ला खान के बारे में बताया गया, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन परफॉर्मर्स ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट एंड नॉर्दर्न इंडिया में ये ज़्यादातर बहुत ही प्रचलित है और साथ में फिजी में भी ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, पर अब तुम्हें जाना चाहिए। Okay, and it was developed. इसे नहीं बोले यार, हम बेस्ट के नहीं है। ना हम बताएं कहाँ है, हम बताएं। हम जानता है। Right, okay. It's been developed by improving upon the pungi. Pungi is a instrument as well. And you know, pungi उच्च जाए, पर हम जो snake लोग के सांप लोग मी करके बजावा जाए ना, it was developed from those concepts there. तो आपको मैं ये बतलाना है, ये pungi, it was first played and also it was primarily for snake charming. और उसके बाद में it was played in the Shah Jahan chambers में and it was always being played by a baba, एक नाई. So, hence the name of this instrument. And the sound of this shehnai in Fiji में भी बहुत auspicious है. शादी वगैरह में होता है, ये बजती है मंदिर में, नफला के साथ में होता है. कौन सा? अरे इतना ढेर जन सही आंसर लिख दिस यार. कैसे कैसे? मंदरा जी, तो मंदरा जी की करते हैं। संजय एंड राधिका राज पहला, रिया राज का नाम लॉक कर लिया जाए, साथ साथ में अभी गाउंडर ने सही जवाब दिया है, कृष्ण राजू जी ने, नेहा प्रसाद, प्रीति अमित, सभी लोगों ने, अरे बहुत सिंपल देना बोल दिया ना, जेम्स बादल देखो जाने मंदरा जी ला। यस दोस्तों साथियों, उस्ताद बिस्मिल्ला खान इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है और शहनाई, बिकॉज शाहजहां के शाह के चैम्बर्स में ही बसता था शाह और नाई इज अ बाबा, तो बाबा के काम रहा रोज बजा हुआ शहनाई, तो हेंस द नेम शहनाई, राइट। बट व्हाट इज द, हां सॉरी कीप गोइंग। और इट इज गॉट 6 and 9 होल्स, उसमें बांसुरी के कम होल्स रहे ना। और ये उस्ताद को, बिस्मिल्ला खान को 2001 में
he was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. And the country observed a national day of mourning following his death in 2006. Wow. और आज भी फिजी में हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि हमारे एक ऐसे दोस्त थे when I was in Revi Revi, जनार्दन मुदलिया संजय आपके फ्रेंड के डैडी he's still playing that जनार्दन इस ग्रुप के नाम रहा जनार्दन एंड पार्टी जनार्दन very famous अपन टाइम जनार्दन एंड पार्टी और very humble man ये बताओ इस शहनाई और साथ साथ में स्नेक का क्या सो इट वाज लेवल फ्रॉम द पुंगी शहनाई स्नेक स्नेक के पुंगी से पुंगी से स्नेक के पुंगी पुंगी उसके डेवलप है और बड़ा से बिकॉज़ व्हेन द स्नेक चार्मर्स यूज देम ना स्नेक चार्मर्स यूज्ड टू यूज देम ये उस्ताद देख के मैंने डेवलप दैट इनटू अ बिगर वन शहनाई एंड अभी भी फिजी में कोने कोने में यहाँ पर रामलीला भी हुए हैं मेरे ख्याल तब से सबको नाचे जबुला बजे एंड तुम मतलब जानक चाहिए तो मदरा जी लोग ना सो जनार्दन पार्टी यस संजय बोल यस वी डिड शहनाई सीडी टुगेदर हिज वॉल्यूम 7 देखा हमारे कजन हिज प्लेड विद संजय विद जनार्दन पार्टी अभी भी जनार्दन इज एक्टिव एज वेल सर उतना नहीं बताते बट अपने जमाने में उस्तादों के उस्ताद थे परम डू यू नो दिस गाय उस्ताद बिस्मिल्ला कौन हमारा टाइम अच्छा फ्रेंड रहा हमारा अभी तो पता नहीं कौन है कौन है उसके लड़का है प्रवीणेश मुदलियार ही प्लेज द तबला एज वेल और शास्त्रीय संगीत में थोड़ा पीछे हैं हैं शास्त्रीय संगीत में थोड़ा पीछे हैं ओके 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 सो जनार्दन पार्टी को बिग शॉट आउट हम देना चाहेंगे अपनी ओर से पीपी की ओर से चिक्चर प्रोग्राम में यस द नेम इज शहनाई शहनाइयों की गूंज जो गाना है ना डांस ओके चार्निश बट यू नो परम जन लोग शहनाई बजाए यू नो आई ऑलवेज मार्वल दो बैठ के आई मीन दे डोंट सिंग बट उन के लंग्स पेट में हवा पड़ा हुई ना पेट में से हवा कितना है ना सो देयर आर टू पीपल देयर वन इज जस्ट द बेस थिंगी इट जस्ट ब्लोज इट नो विदाउट इवन रुके एंड द अदर गाय प्लेज सॉन्ग्स आउट ऑफ इट यू नो द ट्यून्स आउट ऑफ इट सो हम तारीफ करते हैं सबसे बेसी जोन बेचारा फुल टाइम इसे लगा के वो पूरा बजाते हैं रेस्ट करते हैं डिजरी डू ना सो दे हैव गॉट बिग वेल इट्स एन आर्ट ना तो एन आर्टिस्ट यूजुअली परफॉर्म्स इन वेल प्रनोल देखिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमारे एक ही सवाल बचा हुआ है लेकिन एक ही सवाल से पहले पूछने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं प्रनोल यू नो दिवाली वाज जस्ट लास्ट कपल डेज अगो और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक दूसरे से वो बात नहीं करते हैं यानी कि कुछ लोगों से कुछ माता से बात नहीं करते कुछ अपने पिताजी से बात नहीं करते कुछ भाई से नहीं बात करते कुछ नेबर्स से नहीं बात करते हैं और दिवाली एक ऐसा शुभ त्यौहार है जिसके ज़रिए से जो लोग नहीं जो दुश्मन है वो दोस्त बन जाते हैं तो जब इफ़ यू नो टू नेबर्स डोंट टॉक टू ईच अदर वुड यू इन्वाइट देम फॉर दिवाली why not coming to that I was going to ask you what would you do to make them you know ki they are friends again I mean a person like you will try you know knowing you will try to make sure ki aisa mahol I will 100% try if it is a male and a male involved that's all na agar families agar involved hai female rahe to nahi karayega female nahi rahe aur plus two families agar involved I wouldn't go there male to male rahe 100% I have done that in australia me people don't believe musical field me we take nagona leke jata service sab desh ne kare I have done a few things here with my group of friends we just get a jai service sab deke and fir se back to normal so it's a main thing main ho jave men to men 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 माफ कर देवे ना men men हाँ औरत लोग के औरत family नहीं यार उसके बीच में नहीं मगर पड़ो ना I don't know would you do that I probably would but I'll have to World War III सुरुजी वाले रेणु का बोले it's a very touchy subject but the thing is when things like Diwali happens and when you invited you know both of them so they don't have words to say कि कहाँ उसके बुलाए because Diwali है So they will not say anything, but you know, कैसे वो माहौल कैसे रही वो सिचुएशन उस सीन कैसे रही प्रनोल जब सेटी में बैठे मीठे लेके से मीठे खाओ तुम बोलेगा और तुम नहीं जानता कि उससे बात नहीं करे ए तो मीठे खाओ यार काने मीठे
हाँ ना सबकॉन्शियसली इनवाइट कर दे पीपल लोग के ना एंड दे डोंट नो दैट दे डोंट टॉक टू ईच अदर एंड थिंक एंड दे अपीयर बिकॉज़ दे आर जस्ट ओवर देयर एंड यू नो पीपल आर स्टंड सम पीपल आर स्टंड यू नो कि कुछ बोलो कुछ नहीं बट दैट्स अ वेरी गुड मीडियम फॉर देम टू मीट डोंट यू थिंक सो सिचुएशन भी हो जाए थी दोनों के बीच में अरे है ना दे हैव टू ग्रीट ईच अदर यू नो सब चीज किनाज रखो लेट्स ग्रीट ईच अदर ना आई वुड डू दैट आई इफ आई हैड इफ अगर हम कुछ बात नहीं करेंगे देन आई वुड 100% आई वुड गो एंड ग्रीट देम हैप्पी दिवाली एंड थिंग्स लाइक दैट बट इन सेइंग दैट अगर मेल टू मेल 100% आई विल जस्ट कॉम्प्रोमाइज किनारे खींच के लेकर ब्रो ब्रो देखो छोटा लड़कन करके हम काम नहीं करो बोलो ना का करियो ग्रो अप ग्रो अप हैव सम बी ना तो रकम से सो दैट्स माय टेक ऑन दैट इफ द मेल टू मेल इट्स अ मेल मेल थिंग ही एंड हम लोग नगुना जैक सेव सेव करके बहुत दफे से करा है What other ideas do you think? I mean, logo se puchenge, and if they do say it, we'll share it next week or something. But you know, but other ideas there could be for them to make sure ki ek dusre se wo na baat karne lage. You know, the parents talk to each other, or the mother talks to the brother, or mama or mum mein jhagda ho gaya something. You know, they don't talk. There are people that never talk, never cross the fence, nahi baake. Kuch hoi bhi ya nahi jana wahan pe bole na. एकदम खट्टर दुश्मनी रख ले कोई जन में आई कांट आई हैव डन बट इन द एंड आई बिकेम द दुश्मन वेल एटलीस्ट यू आर हैप्पी एंड यू नो यू हैव डन इट यू अचीव समथिंग नहीं काटी तो नहीं काटी तो नहीं आई थिंक बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज ऑफ पीपल फाइटिंग एंड देन यू नो हैंड फिश चला लगे फिर चीज उठा के मार दे एंड इन द एंड डैमेज हो जाए ना फैमिली Some even lose their family with the jhagda ke zariye se. Neighbors fight. Some sell their house and move abroad or move away from the situation. And some actually take a different course. So, unfortunately, Diwali is a good good way of inviting them. Chuppe se na. So, pulle mein jana advisory council hume banek padi na. Tumme banek padi. No one is like sevu sevu karek padi, bro. Sevu karek padi, yes. Yes. Women ke, of course, it's a touchy topic. And then some, if some women have done it, though, they probably know ki kahan bahar ki chaan. बार और खींची कोई वेल मूविंग है टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं इसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे फिर रुखसत लेंगे और फिर मंगलवार की तैयारी हम करेंगे अपनी बिल्कुल सही सो आज लेडीज जेंटलमैन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे और आपको हमें यह बतलाना है कि ऑन दिस डे आज के दिन आज के दिन आज के शुभ दिन हु एम आई राइट आज के दिन मी साथ में हमारे अदर मेंबर्स ऑफ माय पार्टी वी अटेम्प्टेड to overthrow the current government by marching to Berlin right Fiji ne jatra kai phone ha jurte jatra check kare Fiji la Fiji nahi Berlin it was a coup attempt I started and I was eventually caught unsuccessful raha I was captured and I was imprisoned for 2 years ho jata pata hai aadmi bada bada answer dene ka acha fir bataye kuch and then I Raju sune book khol ke baitha hai bhaiya I committed suicide in 1945. I shot myself. 45 ke baat hai, right? Paida ho gaya parantu wo time. Google karo who shot in 45. I shot myself 45, right? And I took my own life at the age of 56. 56 ho gaya. And I was. Dekha parantu. At the right bad bolte yes baby. So yes I was a teetotaler teetotaler a person who never drinks alcohol iske bole teetotaler na teetotaler and I'm a non-smoker and vegetarian but I took many kinds of psychoactive drugs such as cocaine I took opiates amphetamines. And to avoid food poisoning, I employed young women to taste my food. And I had a favorite dog. Uske naam tha Blondie, right? A German Shepherd. Bhaiya, dog ke naam Blondie rakhna. Nahi rakhna Blondie. So, before I shot myself, before people log uske capture kari, I gave my dog a capsule to eat. Kutta jab mar gaya then I shot myself. Kaun hu main? Kutte ki maut khud mar gaya. Kyun maut? Acha dekhi bahut jin answer kar diye yaar.
हाँ यार, फर्स्ट थ्री डॉक्टर डॉक वाज द अनिश कुमार फर्स्ट हिटला पर्सन, लिख दीजिए, कृष्णा राजू अडोल्फ हिटला, अडोल्फ हिटला इज अप्रिशिएटेड, पूरा नाम डॉक्टर अनिल जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले ही दिया। हिटला लिख दीजिए, अडोल्फ हिटला, अडोल्फ हिटला। हाँ तो हिटला इज प्रोबब्ली चलता है ना, बिकॉज हिटला, सो वी हैव गॉट अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, कृष्णा राजू जी, और कृष्णा राजू जी साथ में, और प्रीति अमित कुमार हिटला। और तुम जानते ना, पर हम लास्ट टाइम बताया रहा कि अडोल्फ हिटलर जहाँ पर मोटर दिखाया रहा वॉक्सवैगन ना जर्मनी में, जर्मन का तो है ना, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय दिस लीडर, राइट, ही इज एन ऑस्ट्रियन बोर्न जर्मन, अडोल्फ हिटलर। वॉक्सवैगन मीन, वॉक्सवैगन इन जर्मनी मींस पीपल्स कार, किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल ना, व्हाट इट टू किल अ लॉट ऑफ पीपल ना, मिलियंस ऑफ जूश पीपल इन दिस कैंप, या बट दारू नहीं पीते रहो, इतना अच्छा स्कॉच वो जमाना मेरा है, कुछ नहीं पीते रहा, लेकिन जवानी पीते रहा, दे स्टॉप इट, बट ड्रग्स बहुत लेता है, हालत करता उसके पीपल लोग ना, वही तो आर्मी पर्सनल लोग, एवरीबॉडी इज ऑन हाई, हाई ऑन ड्रग्स, यू नो, वेरी कुत्ता इंसान था दिस वन, आई वुड से इन आवर लैंग्वेज। बट एक चीज अच्छा कि वॉक्सवैगन के ही फॉर्मुलेट कर दिस इज अ डाइंग कार दैट टाइम, वॉक्स मींस पीपल्स, पीपल्स कार, एंड ही फॉर्मुलेटेड दैट, सो ही वाज इन नाजी जर्मनी, इन स्ट्रेनबॉल जर्मन कॉल अडोल्फ हिटलर, लेडीज जेंटलमैन, सब लोग जानते हैं, जानते हैं। आपसे मैं थोड़ा कड़ा कड़ा लिखा है क्वेश्चंस ना, आप कितना जानते हैं, आपने पूछा है भैया, और लोग सवाल का जवाब दिए थे, कितना जानते हैं, नकीला किला मांदा ना जी। तो हम बट पर हम एक चीज, हम लोग के लिसनर्स हैं, दे कंटेंट वाइज दे वेरी वेरी स्मार्ट, आई वुड से। इन अ व्हाइल डॉक्टर अनिल केम इन टुडे, वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक। हम सुस्ता डॉक्टर के बारे में लास्ट वीक, यार हम लोग कहाँ चला गए लड़का ना, बोला आइस नहीं दोबारा लौट के ना, आते देर जीत के देखो, काइट्रोला बने काइट उड़ाते रहने दिखा कुंडो जी, यार डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, या हिटलर वाज अ हैवी स्मोकर एट हिज यूथ डे, बट गेव इट जॉनी बिग स्मोकिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, हिटलर ना, हिटल के ला, अपन जब यंग था, जब ग्रो अप होता, ही टू स्मोक अ लॉट एंड ड्रिंक अ लॉट, बट देन ही स्टॉप कर दिस एवरीथिंग, कौन एंड देन ड्रग्स लगा, अडोल्फ हिटलर, ओके, ऑलराइट, ए पकड़ी आवाज करे कहीं, वे बकरी आवाज करे, नहीं हम अच्छी है या चू 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 करे, या दैट्स ओके डॉग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दो, जितना भी आप आते हैं इट्स गुड फॉर अस, ओके इट्स टाइम फॉर अस टू ड्रॉ माय फ्रेंड, टाइम फॉर अस टू ड्रॉ, और राइट, उससे पहले पर हम जल्दी से एक बात बता दी, जल्दी से ना वे पीपल, हां जल्दी से बोल दो, ऑफ कोर्स जल्दी से, फिजी न्यूज़ में पढ़ता था कि पढ़ रहा था कि $360 जो गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट मिला था ना, तो फिजी काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वानी का कहना है कि ये 360 जन लगा है, बहुत जन, बहुत ज्यादा लोग दे परचेज अल्कोहल एंड होस्टेड ड्रिंकिंग पार्टीज एट होम, मार पीट चलाना, तब वो थोड़ा गुस्सा ना गवर्नमेंट के ऊपर, बोले अच्छा जनता है कि हम लोग के आदिवासी लोग सब कुछ यहाँ बहुत भारी दारू पी के लड़े ना, तो वाई कुडंट दे गिव इट इन वाउचर्स, अच्छा बात बोली, ऑस्ट्रेलिया में जैसे वाउचर वगैरह देवा जाए ना, टू स्पेंड इट देयर, so she had recommended that non-alcoholic vouchers would have been a better viable option for the government, that's true, non-alcoholic, ha, non-con popcorn vouchers na, juicy popcorn na kaat raha hai, popcorn kaat raha hai, acha lat maro uske to jaldi chali, well moving it, ladies and gentlemen, to bahut logon ne to par jaldi se tab kya kehna hai aapko ye news ke bare mein 360 wala bhai, 360 wala dekho, bhai de do jaldi se, सुई तो वही लोग लगवाई से ना, मन पसंद वही लोग कह रहा, तो दिल खोल के खर्चा करिस ना, तो आज खर्चा कर दी, जिंदगी में सबके कभी कभी 360 नहीं आया, तो यू नो लॉट ऑफ पीपल खर्च जैसे मिले उड़ाए दो, कल के बारे में कहाँ सोचा है, तो लड़के ने औरत लोग के औरत, अच्छा औरत लड़के ने कौन सी मिला थी तब ना, दे कुड हैव गिवन वाउचर्स फॉर द किड्स ना, दे वुडंट हैव स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल आई डोंट नो, कुछ स्कूल के वाउचर दे तो और अच्छा रहे ना, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज शॉपिंग वाउचर, the best thing is shopping voucher, acha alcohol mein because everybody ha, but tum jano shopping voucher to alcohol bhi le le isme se na, to koi ra gum gumai ke aaji na, aaji ha, food voucher, so thank you for everybody that participated in today's program, aur panch sawal ka sahi uttar bahut sare logon ne diya hai, aur aaj ka winner kaun banta hai ye hum is jo nachne wale ki jo sthiti hai wahi determine karenge ki यार हम लास्ट वीक का विनर कहाँ चला गया, इट्स ओके आई विल ब्रिंग इट आउट,
सो प्रणोल, इसको हम घुमा दे, शफल कर दे। शफल करते हैं। रियराज ने लिखा, हमार हबी के नहीं मिला 360। हाँ, अभी तो कुछ जन के मिला है, कुछ जन अभी सीधा सीधा फल आए है ना, कहे नहीं मिला ये तो, कुछ कुछ जन के नहीं मिला है बोले। बिकॉज़ इफ यू आर वर्किंग आई सपोज ना, probably alongside means tested kar raha tha ya fir working people. I think if you are a worker and you are working during the time, you don't get it. But you know, but, when it was announced param usse pehle, they didn't tell ki agar tum kaam karna hai, I mean working people will get it or not. Oh no, it is there when they released the budget, usme likha le. I saw it. Param, a special category tha. Haan, to yahan ke tum dekha Sydney ke Australia ke winner kon hai, John COVID के $1 million prize money जीती थी। Did you get the news? No, I didn't. You know, when you get double vaccine in Australia, you get into a draw. It's in barrel में जावे। So it, oh, how many बता? How many this? एक चाइनी जीती। Triple लगा लिया हम तो यार। चाइनी तो खुशी है कि बोले अपन मैया पप्पा को बुलाएगा चाइना से, ये वो ये, तो बहुत people लोग गाड़ी देवे यार तुम लोग, ये बोले बीमारी ने prize money भी दिए थे उसके। Sorry guys, I'm not racist here, but the lady, the Chinese lady, won that $1 million which was offered by Australian government. PG may be a Asian prize hai, but I'm not sure the $1 million. Yes, it's been drawn. Already draw hai ye. Draw hai ye. Kitna prize hai? Haan, draw hai ye. I think was somebody in Fiji might know. Kafi Rahul to pata nahi kahan busy hai, mithai te banaya aaj, post wali mithai banaya. there was some prize given and already drawn. Okay. Kuch logo ko mil gaya. So, yes, शफल, इसको हम घुमा दे और पहले प्रथम जो हमका आज का लीजिए, वाह का नाम आता है, पकड़ लीजिए यार, बहुत रफ्तार नहीं पकड़े। Ladies and gentlemen, here we go, 1 2 3 पड़ोसी अपनी मुर्गी, पड़ोसी goodness, बहुत lucky जग लोटो खेलना पड़ोसी है, lucky पड़ोसी तुम्हारा दिन भाई, पड़ोसी सुजी चंद बधाई हो, मुबारक हो आपने, पर नो लाइसेंस नहीं रहे, 100 इन्वेस्ट करके निकाल नहीं रहे इसमें कैसे रे हूँ बोले इन्वेस्ट तो करा निकल गए ना, बिफोर यू स्पिन इट देखो ना बोले कि ब्लेसिंग्स यू गेट स्ट्रेट अवे ना, अभी कलयुग में बोले ना जो चीज यही करो यही भरो ना, अब वही 100 दिस अब ही जीत गई देखो अभी जीती तो नहीं उसके नाम पूरा उसमें जाए ड्रॉ में जाए, बट वही बोला नहीं 100 इन्वेस्ट करके निकाल नहीं रहे, 10 times 50 100 रीच, या दिस इज व्हाट दे वांट, आई मीन लाइक 10 पीपल के 55,100 रीच। हां थैंक यू प्रीति। Oh, 10 people. Huh? It should be like this, 10 people. Okay, now I'm 10 people. Okay, they're like. Naam kaha chala gaya hamara sab yaar. I'm excited. Oh, goodness. Ho gaya Priti Amit Kumar ki baat dekh ke. I didn't actually, but it just disappeared. Itna bank balance dikha laga bhai. Nahi bank balance yaar kaha chala gaya? I have to search again. Don't tell me I've lost. That'll be a huge disaster, Pranav. Oh, ille. But it shouldn't be. It should record. कैसे अपने आप के यहाँ भाग जाता तुम लोग यार, सेव करा रहा तुम? नो आई डिडंट सेव इट बिकॉज़ इट वाज, ओ यस, ओ थैंक जी, थैंक आपका स्क्रीन हमको दिखाओ भाई, या स्क्रीन तो पहला हम आपको स्क्रीन दिखाते हैं और शफल करते हैं। क्या बात सुजी चंद के बाद में देखते हैं तो डॉक्टर ने लभी ऐसा भी मार दी से शफल करते हैं एंड द लास्ट विनर फॉर दिस इवनिंग लेडीज जेंटलमैन योर नेम गोज इन द बिगर ड्रॉ। ओह लो, फिर चाहिए वो डॉक्टर ने घुमाए इसके, बता आप ही जाए कि तुम लोटो खेल लो आज यार, दी दफे लकी फल आया, दी दफे जीत गया, हम लोग कुछ करा नहीं है, उरी ड्रॉ करो इलावे आए ये उरी ड्रॉ, दो ही दफे निकल किसके नाम, फिर से ड्रॉ करी, सफल करी ना, और या सफल करी तो क्या सफल करता, डॉक्टर के नाम टू टाइम्स का लिखी, द फर्स्ट इज सुजी चंद, सेकंड इज डॉक्टर अनिल, थर्ड वन इज दिस नेम दैट इज कमिंग अप लेडीज एंड जेंटलमैन, RJ Raka. Now there's a mistake there. Give me one second, please. Oh, actually, it's my name. Ah, but it's RJ Raka. Sorry. It's Raka. Virta Singh is the next one. RJ Raka. RJ Raka ji, congratulations. हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप तीनों को मिले और आपका नाम हम draw करेंगे and then we will move on from there. So yes, हमारा तभी नहीं चीफ ये तभी नहीं पैदा हुए.
Okay, didn't know that. Doctor, Anil, you've एक won. Question है. हाँ. अच्छा बोल दो बोलो डॉक्टर के बारे में कुछ बोलता है. Doctor Anil has gone into the draw to win the major prize. अभी 700 भेज दो. So if you know some family and friends who want to donate minimum $50, it will be nice. We want to make it $2,000 and we'll be splitting it up into three categories. First, second and third would be draw similarly like this here on Facebook on 20th of December. So far, we have $700. We have acquired $700 and... सवाल ये है, एक शंका है दिल में, right? एक शंका है. अगर मान लो when we draw on the day, अगर हम देखते हैं हम लोग के ढेर ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स लोग भी है दे इन द कंपटीशन, हम अभागी है कि आप सभी लोग हमारे साथ में हैं, मगर ऑन द डे इफ देयर इज समबडी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ फिजी, आई मीन कोई जीत गया, सो एनीबॉडी कैन विन, इज इट? वेल एनीबॉडी कैन विन, आई मीन अगर सिडनी में कोई जीती है, आई मीन लुक इट, आई बीन टेकिंग इंटरेस्ट इनटू इट, सो दे मे एक्चुअली डोनेट समबडी इन इन फिजी. ओके, वी होप दे वुड. इट इज अप टू देम ना. हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिडनी में, सिडनी के ज़्यादा हमारे लिसनर्स जो हैं इट्स प्राइमरली फ्रॉम फिजी, मोस्ट ऑफ देम, तो अगर यहाँ से भी वो जीतते हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक दे विल बी डोनेटिंग इट टू फिजी टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो चलो ठीक, उतना तो ठीक ही होगा, उतना तो अच्छा ही होगा. तो चलो कोई भी जीत सकता है लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे फिजी के हैं, चाहे फिर न्यूजीलैंड या अमेरिका या फिर इधर सिडनी के हैं. लेकिन पैसे दारू में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए. पैसे दारू में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, शराब में नहीं. ये वाचा में दीजिए यार हम लोग. हाँ, वाचा भी छारी ना, वाचा भी छारी. बट क्रिसमस टाइम में लड़कन के बंदूक, यू नो, पानी लगन कुछ लेने मांगे तो कोई ना कोई सके ले लेना. दारू खरीदो, एक दी बोतल खरीदो, एक कार्टन खरीदो, इन्हें की पूरा सब पैसा वहीं बिता दो ना. We'll split the price, bro. We're gonna split it. So hopefully, you know, अभी 700 होएगे दया से. Our thank you for the lovely audience and lovely friends that have been donating it sincerely. And it's exactly. Just nice. Every week sochta hu ki ye badhega, kaise badhega, kab hoga aur kahan se aayenge. To lekin dekhiye, par ho jata koi acche kaary kar rahe hain hum log, to acche hi hoga. And I must say that Param ki ye jo hum manta hai 1000 dekhe 1000 acha lagi dekhe na, pakdega tum ise badhega na, certificate pakdega. This draw is just during this COVID times and things like that. Yes, huh? yes, of course. It won't be a feature like. It is not future because this program is not sponsored by anybody. We are actually, you know, sort of begging. You could say begging friends and to families to donate a little bit just for the during this period. And I think in the next year should be nice and cool, and the transition should be smooth. और कुछ अलग से ही सोचेंगे हम करने के लिए, कुछ अलग अंदाज में भी करेंगे. फिलहाल ये जो मोमेंटम है, ये जो सीक्वेंस है, दैट विल फिनिश ऑन द 20th ऑफ दिसंबर. यस, ऑलराइट, डन. यस, और उसी के साथ साथ रुखसत का समय हो गया है, और आपसे हम दोस्तों अब यहां से हम रुखसत लेते हैं. दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आप प्रोग्राम में कुछ ऐसा कुछ चाहते हैं, कुछ एडिशनल बताना चाहते हैं, प्लीज़ डू सेंड फ्लिक अस एन ईमेल चैट बॉक्स में, हम ज़रूर से ज़रूर उनका ध्यान देंगे. तब तक के लिए अपने साथी प्रणोल और परम को आज्ञा दें, हमारी आपकी मुलाकात अगले मंडे को होती है 6 बजे. नमस्कार. 6 बजे नहीं, 6:30 बजे. और हमसे अगर कभी भी कुछ गुस्ताखी होती है तो माफ़ कीजिएगा, हम मौज मस्ती करते हैं. कभी कभी मौज मस्ती में लाइव शो है, कुछ प्लान नहीं होता है, तो हमारे अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हम हमेशा फ़न के लिए ही कहते हैं, और किसी को बुरा या बुरा कहने में नहीं हम जुड़ जाते हैं, बस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम ये करते हैं. तो कुछ कभी भूल होती है तो माफ़ करना, प्लीज़ What is satirical and what is being said? थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी हो जाता है, मौज मस्ती कर लेते हैं, और यू नो रिलीजन एंड दिस एंड दैट हम लोगों को दायरे में रखना ही चाहिए, लेकिन हम बॉयज है और पीस है. बॉयज विल बी बॉयज ना. ऑल द बेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इट वाज अ गुड प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल टुडे, एंड अंटिल नेक्स्ट वीक, स्टे सेफ एंड स्टे वेल.